नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये डे नंबर 14 है और इसमें जो इकोनॉमी पापा वीडियो बनाया था मैंने पहले 6-7 घंटे का था, इसमें कुछ डेटा अपडेट है और इसमें मैंने उसका छोटू कर दिया है। यहाँ पे मतलब बहुत ही शॉर्ट में सिर्फ डेटा लिखा है जो प्री के लिए ज़रूरी है। उसमें मैंने कई सारी चीज़ें जो है वो आपकी मेंस के लिए भी जोड़ दी थी, तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना उसका मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सब्जेक्टिव डेटा भी लिया था वहाँ पे। ये लेकिन ऑब्जेक्टिव है सिर्फ, इसको देख जरूर लीजिएगा। इसमें कई सारे अपडेट किए हैं मैंने और जो लेटेस्ट IMR कितना है, MMR कितना है, TFR कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये सारी चीज़ें मैंने की हैं और इसकी मैंने पिक भी लगातार टेलीग्राम में डाली हैं। सिर्फ यहाँ पे मुद्दे वाली बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं। इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इस समय जो इंडिया की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो GDP वाइज 7वें नंबर पे है, ठीक है। नंबर 1 पे US है, ठीक। US 20.5 ट्रिलियन डॉलर पे है, चाइना है, फिर जापान है, जर्मनी है, ये तीनों जो है UK, फ्रांस और इंडिया देख रहे हैं, ये मतलब सब आसपास हैं, बस मतलब कुल मिला के 7वें नंबर पे है। इस समय इंडिया की जो है करीबन 2.73 ट्रिलियन डॉलर है, इस ईयर के एंड तक बोल रहे हैं कि 3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, बस इतना ही यहाँ पे याद रखना है। फिर FDI के मामले में जो है इंडिया 10वें नंबर पे है ओवरऑल, ये सब मैं वैसे बता चुका हूँ, और 42 बिलियन डॉलर का जो है 2018 में आया है, और जितना भी साउथ एशिया में आया है उसका करीबन 77% इंडिया में आया है। ग्लोबल FDI की बात करेंगे तो 13% पिछली बार से कम हुआ है, ठीक है। और इंडिया में जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सब मैं वैसे FDI वाला डेटा बता चुका हूँ आपको, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वो देखनी ज़रूरी है कि टॉप 3 रेसिपिएंट क्या थे इंडिया में जो FDI आया, मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। ये वाला ग्राफ भी मैं आपको बताया था उस दिन कि ये जो है ये टॉप 10 होस्ट कंट्री हैं FDI इनफ्लो के, तो इसमें इंडिया नंबर 10 पे है, ठीक है। 42 दिखा रहा है, 44 भी दिखा रहा है कई जगह, तो ये वाला डेटा मैं वैसे बता चुका हूँ, एक बार जानना यहाँ पे ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ पे आता है, US में आता है, ठीक है, और नंबर 10 पे है अपना इंडिया। ये FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंकिंग मैंने बताया था, ये वाली रैंकिंग और कहीं दी ही नहीं हुई है। 2019 की AT कैर ने जो FDI इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंकिंग 2017 में देखिए 8 थी, 2018 में 11 हो गई और 2019 में 16 हो गई, 16 रैंकिंग है, US नंबर 1 पे है, बस इतना याद रखना है। इसमें मेन बात है, अब देखिए सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में कहाँ से आता है, कौन सा ऐसा देश है आखिर कि जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में FDI आता है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से नंबर 1 पे सिंगापुर है, नंबर 2 पे मॉरिशस है, बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए इसमें जो है एग्जैक्ट और थोड़ा सा अपडेट किया हुआ है कि 2018-19 में जो है FDI करीबन 44 बिलियन डॉलर आया है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था 42, तो 44 के आसपास जो है ये डेटा, ये और ज़्यादा अपडेटेड है ये, ठीक है। परसेंटेज ग्रोथ देखेंगे अगर लास्ट ईयर से तो ये मतलब माइनस होने, यानी कि 1% घटा है। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आता है अगर आप देखें, ये शेयर ऑफ टॉप 10 टॉप ये इन्वेस्टिंग कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है सिंगापुर से आता है, फिर मॉरिशस से और फिर जो है नीदरलैंड, ये टॉप 3 कंट्री हैं। सेक्टर कौन कौन से हैं ये, सबसे ज़्यादा सेक्टर ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर, फिर कंप्यूटर, फिर आपका ट्रेडिंग, बस इतना याद रखना है। MSP टोटल मिला के 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं जिसके लिए गवर्नमेंट हर बार अनाउंस करती है, और FRP जो है शुगर केन के लिए किया जाता है, कि ये जो है इसके लिए एक राय कौन देता है, CACP की राय पर किया जाता है। उस 22 में से 12 क्रॉप्स हैं खरीफ की, और इसमें से कौन सी, पैडी, ज्वार हो गया, बाजरा, मेज, मक्का यानी कि रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, नाइजर सीड हो गया, कॉटन, 6 राबी क्रॉप्स हैं जिनके लिए कि MSP जो है, MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि अगर कुछ ना मिले किसान को तो कम से कम इतना तो है, इतने में गवर्नमेंट खरीद लेगी, ये होता है सिंपल बात, ये मतलब लेमन वाली भाषा में अगर आप देखेंगे तो। राबी क्रॉप्स में क्या है, वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड, मस्टर्ड और सनफ्लावर, ये सारी हैं, प्लस 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, जूट और कोपरा। इसके अलावा MSP टोरिया और ये कोकोनट का भी जो है ये किया जाता है, ये सब, ये बस इतना जानना जरूरी है, बस इतना ही, मतलब ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली कितना, ये लेटेस्ट जो है डेटा है ये MSP किसका कितना है ये वाला है, ठीक है। तो अगर आप लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, एक्चुअली कई बार ना MSP भी पूछ लेते हैं, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि पैडी के लिए जो है लेटेस्ट 1815 हो गया, ग्रेड 1 के लिए 1835, ठीक है, ज्वार के लिए, हाइब्रिड के लिए 2550 और माल डंडी के लिए ये है 2570। तो एक बार ये लिस्ट जो है इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिस्ट है ये वाली जो लिस्ट देख रहे हैं ये पढ़ लीजिएगा, ये आप ही पढ़ लीजिएगा, इतना कहाँ पढ़ोगे हमसे,
यही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं जो मैंने बोला था। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था 2018 में कि MSP जो होगा वो उतना, मतलब जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसका 150% होगा कम से कम, ठीक है, मतलब कम से कम 50% जो है आपका फ़ायदा मिले ज़रूर। ये जो है एस्टिमेट्स हैं जो एग्रीकल्चर के होते हैं मेजर क्रॉप्स के, 2018-19 में चौथा एडवांस एस्टिमेट आया है अभी तक, बस इसमें कोई अपडेट नहीं है और यही सत्य है अभी तक का। आगे अपडेट आएगा तो आगे सत्य दूसरे हो जाएंगे। सत्य जो होता है वो रिलेटिव होता है और हमेशा बदलता रहता है, ठीक है, इसीलिए दुनिया में कुछ सत्य नहीं है, सब कुछ रिलेटिव है। हालांकि खैर फूड ग्रेन्स इस समय 284.95 मिलियन टन है, राइस का आपका रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है 116.42 हो गया, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा हुई गवाह है ये। वीट हो गया आपका 102 मिलियन टन और कोर सीरियल हो गया 42.95, मक्का हो गया 27.23, दाल होगी 23.4। दालों के प्रोडक्शन में इंडिया पूरी दुनिया में नंबर वन पे है, प्रोडक्शन में भी मतलब उत्पादन में भी और खपत में भी कंजम्पशन में भी नंबर वन पे इंडिया ही है। ग्राम ये आपका चना हो गया 10.13, तुर हो गया 3.59। ऑयल सीड का प्रोडक्शन का डेटा एज इट इज़ पूछ लेते हैं, इसको रट डेल लेना, 32.26 मिलियन टन है। सोयाबीन जिसमें से सबसे ज़्यादा होता है 13.79, रेप सीड मस्टर्ड 9.34 और ग्राउंडनट 6.69। कॉटन का 228.71 है मिलियन बेल्स, 170 किलोग्राम की होती है, और शुगर केन का 400.16, ये भी मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड है। ये वाला चीज़ें पूरा दिया हुआ है, लेटेस्ट डेटा है ये, फोर्थ एडवांस एस्टिमेट जो मैंने बताया वही सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, जो अभी बताई ऊपर ना वही है यहाँ पे, ठीक है। इसमें अगर आप देख सकते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है टोटल वो 284.95 मिलियन टन हुआ है, जो कि पिछले 5 सालों के एवरेज से ज़्यादा है ये, और अभी तक का हाईएस्ट भी है। खैर ये टोटल प्रोडक्शन जो राइस का है वो भी रिकॉर्ड हुआ है, 116.42 ये आपका मिलियन टन हुआ है। और अगर आप देखेंगे वीट का ये है 102.19 मिलियन टन, ये भी पिछली बार से जो है ज़्यादा ही है, ज़्यादातर जो है रिकॉर्ड प्रोडक्शन ही हुए हैं। टोटल पल्सेस का भी अगर आप देखेंगे 23.40। अच्छा, हमारा कंजम्पशन कितना है दालों का, करीबन 25-26 मिलियन टन है, अभी भी हमको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, ये भी एक अभी समस्या है। ऑयल सीड 32.26, याद रखिएगा ये बिल्कुल डेटा एज इट इज़ रहता होना चाहिए, पिछली बार से ज़्यादा है, ये एग्जैक्ट डेटा पूछते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसमें अगर आप देखेंगे तो शुगर केन का ये पिछली बार से बढ़ गया है, 20 मिलियन टन बढ़ा है, 400 मिलियन टन पे हो गया है। कॉटन का 28.71 हो गया, जूट ओमेस्टा का 9.77 हो गया है। यही सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, हिंदी वाले लोग पढ़ लीजिएगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, वही चीज़ें जो मैंने बता दी हैं। अब इसमें देखिए हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागानी, और बागवानी और प्लांटेशन मतलब होता है बागानी, इतना बस आपको यहाँ पर करना है। प्लस ये सब हिंदी के इंग्लिश टर्म लिखे हुए हैं, वो इसलिए लिख दिए क्योंकि आगे इनका प्रोडक्शन डेटा जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे में एक बात याद रखिएगा, जो इंग्लिश में डेटा लिखा हुआ है वही वाला सही है, हिंदी वाले में डेटा में बड़ा जो है गलतियां हैं उसमें, तो जरूर याद रखिएगा। अनाज को जो है ये सीरियल बोलते हैं, खाद्यान्न को फूड ग्रेन बोलते हैं, चावल को राइस या पैडी, गेहूँ को वीट, कोर सीरियल मोटे अनाज, मक्का मेज, दाल जो है पल्सेस, चना ग्राम, तुर हो गया ये, तिलहन हो गया ऑयल सीड, मूँगफली ग्राउंडनट, रेप सीड हो गया रेशे यानी फाइबर, इसमें कॉटन जूट और मेजता है, बागानी जो है प्लांटेशन होता है, ठीक है। बाकी इतना पता है आपको, आप लोग स्मार्ट आदमी हैं, स्मार्ट भैया जी और स्मार्ट बहनी जी हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या होता है ये समझना जरूरी है, ये कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चन है, इस बार कॉन्सेप्चुअल पेपर आ सकता है और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन 150 में से अगर 20-30 क्वेश्चन भी पूछ लिए तो काफ़ी होगा, वैसे जनरली 10-15 क्वेश्चन तो होते ही हैं। तो हॉर्टिकल्चर में होता क्या क्या है ये भी जानना जरूरी है, फ्रूट्स वेजिटेबल स्पाइस प्लांटेशन और फ्लावरी सब कुछ होता है हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल और फ्रूट्स का, ये ध्यान रखिएगा। कंट्री की पहली पोजीशन है किसमें, बनाना यानी केला, आम, लाइम यानी नींबू, और पपीता और ओकरा यानी भिंडी, इन सब में ये प्रोडक्शन दिया हुआ है। मैंने इसका इंग्लिश वाला हिंदी इसीलिए ऊपर बता रखा है, ठीक है, इसीलिए ये सब टर्म लिखे हैं कि आपको जो है बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, तो थोड़ा सा स्मार्टली पढ़िएगा। यहाँ पे राइस के प्रोडक्शन में नंबर वन पे वेस्ट बंगाल है, फिर आपका पंजाब है, फिर उत्तर प्रदेश है। वीट यानी गेहूं में नंबर वन पे यूपी है, फिर पंजाब है, मध्य प्रदेश है। मक्के में नंबर वन पे कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। टोटल जो है आपका कोर सीरियल में नंबर वन पे राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। तुर में नंबर वन पे महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक। बस नंबर वन याद रखिएगा, एरिया की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है।
ठीक, चने में नंबर वन पे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान है। दालों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। टोटल फूड ग्रेन में नंबर वन पे यूपी है, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब है। ग्राउंड नट पे गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। रेप सीड और मस्टर्ड में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश नंबर वन पे है, महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। यही डेटा है लास्ट वाला। सनफ्लावर में नंबर, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, इसमें नंबर वन पे कर्नाटक है, फिर बिहार, उड़ीसा। टोटल ऑयल सीड में भी एमपी नंबर वन पे है, एमपी। दालों में भी है और आपका जो है ये ऑयल सीड में भी नंबर वन पे है, याद रखिएगा। टोटल ऑयल सीड में राजस्थान, गुजरात और यूपी किस में, टोटल फूड ग्रेन में नंबर वन पे है, जरूर याद रखिएगा। और आपका यूपी अभी किस में देखा था हमने, वीट में नंबर वन पे, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है। शुगर केन में भी नंबर वन पे यूपी है, शुगर केन में भी यूपी है, शुगर शुगर में भी यूपी है, मतलब चीनी और गन्ने दोनों में यूपी नंबर वन पे प्रोडक्शन में, ठीक है। शुगर केन में नंबर टू पे महाराष्ट्र है। कॉटन में नंबर वन पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना है। और जूट में नंबर वन पे वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार, फिर असम है। ये टॉप थ्री कॉटन के यहाँ पे लिखे हुए हैं। कॉटन के प्रोडक्शन में नंबर वन पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, बस इतना ही याद रखना है। ये प्रोडक्शन शेयर है आपका किसके लिए, वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग के लिए। तो वेजिटेबल में नंबर वन पे आपका कौन सा स्टेट है, ये आप देख सकते हैं। नंबर वन पे हमारा यूपी है, वेजिटेबल यानी सब्जियों के प्रोडक्शन में नंबर वन पे यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल है आपका, और फिर नंबर थ्री पे है मध्य प्रदेश। ये डेटा याद रख सकते हैं। वैसे मैं बता चुका हूँ, इकोनॉमी पापा वाला वीडियो जिसने देखा है वो एक बार रिवाइज़ कर ले, लेकिन कुछ डेटा यहाँ पे अपडेट है इसलिए देखना ज़रूरी है। टॉप थ्री देखिए, ये जो है गन्ने के प्रोडक्शन में भी यूपी नंबर वन पे है, गन्ने के एरिया में भी नंबर वन पे यूपी है, और चीनी के प्रोडक्शन में भी नंबर वन पे यूपी है। ये रट लो, बिल्कुल खा लो, चबा लो, यही सत्य है जो इधर उधर का देख रहे हैं। अभी कुछ लोग जो है महान हस्ती इसमें कमेंट करेंगे, मेरी तरफ से बिल्कुल चेक है और मेरी तरफ से यही डेटा है, ठीक है। शुगर केन में नंबर वन पे यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। शुगर केन के एरिया में भी यूपी, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। शुगर में यूपी, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। अच्छा, एक चीज़ और है, हेनले जो आपका पासपोर्ट इंडेक्स आता है उसमें जो है लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग 82 है, याद रखिए, 86 नहीं है। ऑफिशियल साइट से मैंने देखा है, किसी सब्सक्राइबर ने ही मुझे बताया था, तब मैंने फिर से चेक किया। नंबर वन पे जापान और सिंगापुर दोनों हैं वहाँ पे, और इंडिया का स्कोर है 59, यानी कि इंडिया के लोग जो है, अगर इंडिया का पासपोर्ट होगा 59 कंट्रीज़ में बिना जो है ये वीज़ा फ्री जो है एंट्री मिल जाएगी। ये यहाँ पे बात समझने वाली है, ठीक है। ये डेटा लिखा हुआ है, ये आपका देखिए वेजिटेबल के टॉप थ्री हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। नंबर चार पे है बिहार, जो स्टेट वाले लोग हैं देना है वो देख लीजिए। फलों के प्रोडक्शन में नंबर वन पे आंध्र प्रदेश है, नंबर टू पे महाराष्ट्र, नंबर थ्री पे हमारा यूपी है, नंबर फाइव पे है एमपी। पीसेस वाले समझ लीजिए, यहाँ पे एमपी जो है सब्जियों में नंबर थ्री पे है और फलों में नंबर पाँच पे है। बीपीएससी वाले समझ लीजिए, बिहार जो है सब्जियों में नंबर चार पे है और फलों में नंबर आठ पे है। वही चीज़ें ग्राफ से लिखी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये वेजिटेबल में नंबर वन पे यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश है। और फ्रूट्स में नंबर वन पे आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश है। यही तीन है टॉप। उसके बाद ये जो है फ्लावर में नंबर वन पे, मतलब फूलों के प्रोडक्शन में नंबर वन पे तमिलनाडु है, यूपी हमारा आठवें नंबर पे है और मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है। बिहार का टॉप टेन में कोई विस्तार नहीं है फ्लावर में। प्लांटेशन क्रॉप्स में नंबर वन पे केरल है और बिहार दसवें नंबर पे है। एमपी और यूपी का कोई स्थान नहीं है प्लांटेशन क्रॉप्स में, टॉप टेन में मतलब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्लांटेशन क्रॉप्स कहाँ पे होती हैं, केरल में। वही चीज़ यहाँ पे ग्राफ में लिखा हुआ है, ये दिख रहा है सबसे ज़्यादा, देखिए ये फ्लावर में तमिलनाडु है, सबसे ज़्यादा प्लांटेशन क्रॉप्स में आपका केरल है, इतना याद रखिए। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये मसालों का प्रोडक्शन का लेटेस्ट डेटा है भैया जी और बहनी जी, प्लीज़ इसमें बार बार मत पूछा करिए। नंबर वन पे मध्य प्रदेश आ चुका है, काहे नहीं माना था तुम लोग, ठीक है। मध्य प्रदेश नंबर वन पे है स्पाइसेस यानी कि मसालों के प्रोडक्शन में, नंबर टू पे राजस्थान है, नंबर थ्री पे आंध्र प्रदेश है, और यूपी भी हमारा दसवें नंबर पे है मसालों के प्रोडक्शन में, ठीक है। अच्छा, कोई ये बताएगा जरा, कोई अगर किसी को ये पता हो, ये स्पाइसेस जो यहाँ पे लिखा है इसमें कौन कौन से मसाले आते हैं आखिर, बताइए जल्दी से। ये देखिए, ये स्पाइस प्रोडक्शन का ये पूरा वो है, इसीलिए मैंने फ्लो चार्ट इंक्लूड किया है कि थोड़ा आसानी रहे। एमपी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक। यूपी हमारा दसवें नंबर पे है मसाले के प्रोडक्शन में। ये सिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे, अगर सिल्क प्रोडक्शन में नंबर वन पे कर्नाटक है, टोटल सिल्क प्रोडक्शन की बात हो रही है, नंबर टू पे आपका आंध्र प्रदेश है। और यूपी जो है आपका ये इसमें अभी पूरा डेटा नहीं आया है, तो मतलब अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश दो जरूर याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है।
बाकी सिल्क प्रोडक्शन वाला जो है, ये वाला मैं पूरा एक दे चुका हूँ आपको, पूरा ये वाला जो डेटा है पूरा एग्रीकल्चर और मिनरल वाला, ये पूरा अलग से दे चुका हूँ, ठीक है। उसमें आप देख लीजिएगा, वो वाली PDF भी दे चुका हूँ मैं, जो फाइनल PDF है इसकी। और इसमें सिल्क में मतलब नंबर 1 पे कर्नाटक है और फिर आपका आंध्र प्रदेश है। सिल्क एक्चुअली कई टाइप की होती हैं, वो वाला एक बार देख लीजिएगा, अभी मैं इसी में बता दूंगा। चलो, कोकोनट में नंबर 1 पे है आपका प्रोडक्शन में, कोकोनट में नंबर 1 पे केरल है, ठीक है। ये केरल दिख रहा है, तो केरल आपका नंबर 1 पे प्रोडक्शन में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कोकोनट का केरल में होता है। ये देख लीजिए, ये है प्रोडक्शन, ठीक है, ये है प्रोडक्शन, ये है इसका डेटा। नंबर 1 पे केरल है और नंबर 2 पे कर्नाटक है, तमिलनाडु नहीं है, नंबर 3 पे तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देख लीजिए। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे केरल, ये कोकोनट में, तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, आंध्र प्रदेश की है कोकोनट में, ठीक है। 14,000 है, देख रहे हैं आप, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी जो है कोकोनट में आंध्र प्रदेश की है। प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा केरल है। एरिया वाइज अगर आप कोकोनट की बात करेंगे तो एरिया सबसे ज़्यादा केरल के पास है, तो केरल प्रोडक्शन में भी और जो है एरिया में नंबर 1 पे केरल है, और प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है कोकोनट में। ये क्या है, ये फ्लावर प्रोड्यूसिंग का है, ये तमिलनाडु वाली हो चुकी है पिघाला की। अब ये देखिए क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो सारे यहाँ पे दे दिए हैं फिर से। बादाम में नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश। आंवले में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। केला में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। सेब में नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश। नींबू में नंबर 1 पर गुजरात है और फिर नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश है। मंडरिन में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब है। अंगूर में नंबर 1 पर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। मीठा संतरा जो है उसमें नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। आम में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है। गुआवा में नंबर 1 पर UP है और MP है। अनानास में नंबर 1 पर वेस्ट बंगाल है, असम है। पपीता में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, फिर नंबर 2 पर गुजरात है। सपोटा यानी चीकू में गुजरात नंबर 1 पर है, फिर कर्नाटक है। अनार में नंबर 1 पर महाराष्ट्र है और गुजरात है। अब आपको याद आ रहा है, महाराष्ट्र में जो कुछ लोग जो हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटी के लोग कुछ स्पेशल टाइप की एक्टिविटी करते हैं, वो याद है कि नहीं याद है। बीन्स में नंबर 1 पे गुजरात है, फिर झारखंड है। स्ट्रॉबेरी में नंबर 1 पे हरियाणा है, फिर मिजोरम है। अखरोट में नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, फिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है। ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ब्रिंजल में नंबर 1 पे बैंगन में दीदी जी जो है बैंगन खा रही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा। लौकी में नंबर 1 पे बिहार है, नंबर 2 पे UP है। शिमला मिर्च में नंबर 1 पे कर्नाटक, फिर हिमाचल प्रदेश। बंद गोभी में नंबर 1, गोभी में नंबर 1 पे दोनों में वेस्ट बंगाल है, मैंने बताया था आपको, याद है। गाजर जो है हरियाणा के लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। फिर ये चिल्ली यानी कि ग्रीन मिर्च में कर्नाटक नंबर 1 पे है, ठीक है। फिर जो है नंबर 2 पे आपका मध्य प्रदेश है। खीरा में नंबर 1 पे हरियाणा है, तो जो है हरियाणा के लोग देखिए गाजर खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, इसीलिए बहुत ताकतवर हो रहे हैं। भिंडी में नंबर 1 पे गुजरात है, फिर वेस्ट बंगाल है। खरबूजा तरबूजा सब में नंबर 1 पे UP है। खरबूजा तरबूजा आम अमरूद इन सब में UP है। मटर में नंबर 1 पे UP है, फिर मध्य प्रदेश है आपका। प्याज में महाराष्ट्र, याद आया। आलू में नंबर 1 पे मैंने बताया आपको, आलू में नंबर 1 पे UP, फिर वेस्ट बंगाल है। मूली में नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल हरियाणा है। टैपियोका में नंबर 1 पे तमिलनाडु केरल है। स्वीट पोटैटो को मीठा आलू नहीं कहते हैं, सॉरी, ये शकरकंद होगा यहाँ पे, उड़ीसा केरल। खरबूजा तरबूजा मैं बता चुका हूँ आपको, UP नंबर 1 पे है आपका। टमाटर में आंध्र प्रदेश है। लूज फ्लावर में जो है तमिलनाडु नंबर 1 पे। प्लांटेशन में केरल है नंबर 1 पे। सुपाड़ी में नंबर 1 पे कर्नाटक है। काजू में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। कोकोनट में नंबर 1 पे केरल है। कोकोआ में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। और कोरिएंडर धनिया में नंबर 1 पे है आपका मध्य प्रदेश। सूखी मिर्च में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। लहसुन में नंबर 1 पे राजस्थान है। जीरा में नंबर 1 पे गुजरात है। अदरक में असम है। और हल्दी में तेलंगाना है। इमली में है कर्नाटक। ये कुछ डेटा हो गया। प्रोडक्टिविटी में बात करें, सिर्फ एक एक टॉप की याद रखिए। केला में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा MP की है। आंवला में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु की है। मंडरिन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पंजाब की है। नींबू में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर्नाटक की है। अंगूर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पंजाब की है। संतरे में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आंध्र प्रदेश की है। आम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी राजस्थान की है। अमरूद में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आंध्र प्रदेश की है। पपीते में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आंध्र प्रदेश की है। अब ये अनानास में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर्नाटक की है। चीकू में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिजोरम की है। अनार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी केरल की है। प्रोडक्शन किसका था, याद है? याद आया कि नहीं? रात में कुछ स्पेशल एक्टिविटी करके सुबह जो है बॉडी बनावत हैं। ब्रिंजल यानी कि बैंगन में आपका UP है नंबर 1 पे प्रोडक्टिविटी में।
बीन्स में तमिलनाडु है, गोभी में नंबर 1 पे, प्रोडक्टिविटी में जम्मू कश्मीर है, पत्ता गोभी में तमिलनाडु है, प्याज में सिक्किम है, भिंडी में नंबर 1 पे है आपका जम्मू कश्मीर, आलू में प्रोडक्टिविटी में वेस्ट बंगाल है, मटर में झारखंड है, टमाटर में आंध्र प्रदेश है, प्रोडक्टिविटी की बात चल रही है टैपियोका में तमिलनाडु है, सूखी मिर्च में आंध्र प्रदेश है, प्लांटेशन क्रॉप्स में प्रोडक्टिविटी में तेलंगाना है, धनिया में आपका मेघालय है, जीरा में प्रोडक्टिविटी में यूपी है, ठीक ठीक बा कि नहीं ठीक बा, अदरक में नंबर 1 पे प्रोडक्टिविटी में गुजरात है, ये लहसुन में नंबर 1 पे पंजाब, हल्दी में गुजरात है, जो है इमली में आपका मध्य प्रदेश है, लूज फ्लावर में सिक्किम है, ठीक है। ये स्टेट वाइज एरिया ऑफ क्रॉप ये मैं वैसे बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सबसे ज़्यादा एरिया यूपी में है सब्जियों का, फलों का सबसे ज़्यादा एरिया आपका एमपी में है, कॉटन का सबसे ज़्यादा एरिया महाराष्ट्र में है, ऑयल सीड का सबसे ज़्यादा एरिया आपका जो है मध्य प्रदेश में है, गेहूँ का सबसे ज़्यादा यूपी में है, चावल का सबसे ज़्यादा यूपी में है। एरिया की बात बता रहा हूँ, चावल के प्रोडक्शन में नहीं है यूपी, एरिया में सबसे नंबर 1 पे है। जो है आपका दालों में नंबर 1 पे एमपी, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र है, मोटा अनाज में राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। टोटल फूड में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा एरिया, फिर एपी, फिर यूपी है। फूड ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा जो है एरिया यूपी के पास है, प्रोडक्शन में भी यूपी नंबर 1 पे है फूड ग्रेन्स में टोटल में और एरिया में भी। ऑयल सीड अगर आप देखेंगे तो ऑयल सीड में सबसे ज़्यादा एरिया एमपी के पास है, तो ऑयल सीड में एमपी जो है प्रोडक्शन में भी सबसे नंबर 1 पे है और एरिया में भी। टोटल वेजिटेबल में मैंने बताया सबसे ज़्यादा यूपी है, तो यूपी पूरा जो है वेजिटेबल के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है, एरिया में भी। रॉ जूट और मेस्टा में अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में एरिया भी नंबर 1 पे है, प्रोडक्शन भी नंबर 1 पे है। मीट के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 पे है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, दूध सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 पे है, रेलवे रूट सबसे ज़्यादा यूपी की है, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी महाराष्ट्र की है, लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे और जो है रोड की और प्लस नेशनल हाईवे तीनों की महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, मैं बताया था आपको, याद होना चाहिए। रेलवे में कुछ ऐसा डेटा नहीं है, सबसे ज़्यादा जो है आपकी रेलवे में जो है ट्रैक की अगर आप देखेंगे टोटल ट्रैक वो यूपी में है, ठीक है। तो इसमें देखिए रेलवे में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, रेल अगर रूट वाइज देखेंगे तो इंडिया पूरी दुनिया में 4th नंबर पर है, US नंबर 1 पर है, और 18वां जोन जो है रेलवे का खुल गया है जिसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर होगा विशाखापट्टनम में, बस इतना याद रखना है। बाकी मैं आपको बताया था ब्रॉड गेज सबसे ज़्यादा है, 1.676 मीटर इसकी वो होती है विड्थ, ठीक है, इनके बीच की मतलब दूरी, दो पटरियों के बीच की, मीटर गेज मतलब 1 मीटर हो गया। नैरो गेज दो टाइप की होती हैं, 0.762 और 0.610, बस इतना याद रखना है। ऑपरेटिंग रेशियो इस समय 98.44 है, गवर्नमेंट कह रही है कि और इसको घटा देगी। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब होता है 100 रुपये मान लीजिए अगर जो है आपने कमाया तो 98.44 आपका जो है उड़ गया उस 100 रुपये कमाने में, ये समझ रहे हैं बात कि 100 रुपये कमाने के लिए 98.44 जो है लगाने पड़ रहे हैं, तो फ़ायदा तो बिल्कुल जो है जरा सा हुआ है 1 पॉइंट समथिंग का। खैर फिर इसके बाद ये देखिए ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हाईएस्ट प्रोडक्शन लिखा हुआ है यूपी बिहार एमपी, क्योंकि यही 3 हमारे जो है मेन टारगेट हैं पीसीएस के, बाकी स्टेट पीसीएस वाले भी फॉलो कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर रिपोर्ट में। इसका मतलब क्या है वो समझिए कि टोटल साइट्रस प्रोडक्शन एमपी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, यूपी में सबसे ज़्यादा, बस इतना है इसका मतलब। ये मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे फिर से बता रहा हूँ, साइट्रस प्रोडक्शन में एमपी में सबसे ज़्यादा होता है छिंदवाड़ा में और बिहार में पश्चिम चंपारण में, यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। आंवले में सबसे ज़्यादा एमपी में कहाँ आंवला पाया जाता है, कटनी में और प्रतापगढ़ में जो है यूपी में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अमरूद की बात करेंगे तो खरगोन जो है ये आपका एमपी में सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे अमरूद, नालंदा में सबसे ज़्यादा होता है बिहार में अमरूद, और बदायूं में अगर आप देखेंगे यूपी में सबसे ज़्यादा अमरूद कहाँ पे होता है, बदायूं में, यूपी में एमपी में सबसे ज़्यादा केला कहाँ पे होता है, बुरहानपुर में, बिहार में सबसे ज़्यादा केला कहाँ पे होता है आपका मुजफ्फरपुर में, और यूपी में सबसे ज़्यादा केला आपका होता है गोरखपुर में, प्रोडक्शन वाइज बता रहा हूँ। आम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है आम ये एमपी में बैतूल में, बिहार में दरभंगा में और यूपी में लखनऊ में। बैंगन में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है एमपी में सागर में होता है, बिहार में नालंदा में होता है और आपका यूपी में आगरा में होता है। पपीता में सबसे ज़्यादा एमपी में होता है खरगोन में। अनानास सबसे ज़्यादा बिहार में अगर आप देखें किशनगंज में होता है। फिर सेम जो बीन होती है इसमें ये एमपी में सबसे ज़्यादा इंदौर में होती है, बिहार में कटिहार में और यूपी में लखनऊ में। पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा जो है एमपी में छिंदवाड़ा में, बिहार में वैशाली में और आपका यूपी में उन्नाव में।
लौकी, लौकी जो है सबसे ज़्यादा एमपी में होती है, जबलपुर में, बिहार में वैशाली में, और यूपी में आगरा में। ठीक। खरबूजा सबसे ज़्यादा एमपी में होता है आपका मंदसौर में, और यूपी में फरुखाबाद में। शिमला मिर्च सबसे ज़्यादा एमपी में होती है झबुआ में। भिंडी सबसे ज़्यादा एमपी में होती है, मतलब ये एमपी की, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये एमपी में सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा में है, टोटल नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बात हो रही है। बिहार में सबसे ज़्यादा वैशाली में, और यूपी में सबसे ज़्यादा आगरा में है। गाजर की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा एमपी में होती है कटनी में, और गाजर जो है सबसे ज़्यादा वैशाली में होती है बिहार में, बुलंदशहर में यूपी में। प्याज की बात करें तो देवास में सबसे ज़्यादा एमपी में होता है, नालंदा में सबसे ज़्यादा आपका बिहार, और फतेहपुर यूपी में। फूल गोभी की बात करें, छिंदवाड़ा एमपी में सबसे ज़्यादा होती है ये, वैशाली में बिहार में, आगरा में यूपी में। ठीक है। मटर सबसे ज़्यादा एमपी में जबलपुर में, और सबसे ज़्यादा यूपी में जालौन में। खीरा सबसे ज़्यादा एमपी में बड़वानी में, और बिहार में नालंदा में। जो हरी मिर्च होती है सबसे ज़्यादा एमपी में छिंदवाड़ा में, बिहार में पटना में। तरबूज सबसे ज़्यादा होता है एमपी में खंडवा में, और आपका यूपी में अलीगढ़ में। आलू सबसे ज़्यादा होता है आपका एमपी में इंदौर में, बिहार में नालंदा में, और यूपी में आगरा में। मूली सबसे ज़्यादा होती है आपकी रीवा में, एमपी में, बिहार में नालंदा में, और यूपी में मैनपुरी में, मैनपुरी में। ठीक है। मीठा आलू नहीं, सॉरी, ये शकरकंद होगा। शकरकंद जो है सबसे ज़्यादा यूपी में एटा में होती है। एटा में हमारे एक दोस्त भी हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टोमेटो में अगर आप देखेंगे, टोमेटो में ये जो है आपका, ये एमपी में सबसे ज़्यादा शिवपुरी में है, और टमाटर सबसे ज़्यादा बिहार में वैशाली में है, और मैनपुरी में सबसे ज़्यादा यूपी में है। ठीक है। टूरिज्म डेटा मैंने उस दिन बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, नंबर वन पे फ्रांस है। टूरिस्ट अराइवल की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ घूमने आते हैं, तो फ्रांस में आते हैं सबसे ज़्यादा। नंबर टू पे स्पेन है, नंबर थ्री पे यूएसए। ये अपडेटेड डेटा है, ये उसका पिक आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है टॉप 10 डेस्टिनेशन बाई इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल, समझ रहे हैं आप। तो नंबर वन फ्रांस है, फिर यूएस, फिर स्पेन है, फिर यूएसए। ये सबसे ज़्यादा जो है टूरिज्म से पैसा कौन कमाता है, यूएस कमाता है सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के रेफरेंस में बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेन टूरिस्ट कहाँ से आते हैं, बांग्लादेश, फिर यूएस, फिर यूके। ठीक, वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है। फिर अगर इंडिया में बात करेंगे कि इंडिया में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो है विजिट करते हैं, तो ये कौन सा राज्य है, तो मतलब इंटरनेशनल टूरिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है आपका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और यूपी। यूपी नंबर थ्री पे है। ठीक, मतलब विदेशी नंबर थर्ड जो है यूपी पे आते हैं, सबसे ज़्यादा विदेशी महाराष्ट्र में आते हैं। अगर आप डोमेस्टिक की बात करेंगे, तो डोमेस्टिक जो लोग हैं इंडिया के, एक राज्य से दूसरे राज्य में मूव करते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में लोग जाते हैं, वो है आपका तमिलनाडु, और जो है नंबर टू पे हमारा यूपी। तो यूपी अगर आप देखेंगे फॉरेन टूरिस्ट के मामले में थर्ड नंबर पे है, और डोमेस्टिक टूरिज्म के मामले में सेकंड नंबर पे है, ये जरूर याद रखना। फिर ये ऑल इंडिया कंजम्पशन जो है फर्टिलाइज़र का एनपीके में होता है। हम जो है 100% पोटास को इम्पोर्ट करते हैं, कुछ भी नहीं हम प्रोड्यूस करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स, क्रॉप जो है कौन कौन सी हैं आखिर, कोकोनट, अरेका नट, ऑयल पॉम, कैश्यू और टी, कॉफ़ी, रबड़, ये सब है। माइनर प्लांटेशन क्रॉप्स में कोकोआ है, वही सब हिंदी में लिखा हुआ है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है सकल फसली क्षेत्र में नंबर वन पे यूपी है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर बिहार है। इरिगेटेड क्रॉप मतलब सबसे ज़्यादा सिंचित जो है क्षेत्र कहाँ पे है, यूपी में, फिर राजस्थान, फिर पंजाब में। फल और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता अगर आप देखेंगे तो इंडिया में इतनी है। फ्रूट्स की कितनी है, 97,000 टन है, और वेजिटेबल की करीबन 1,84,000 टन है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है आपकी ग्राम पर पर्सन पर डे इंडिया की है 207, और जो है वेजिटेबल कितनी है, 393। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। पॉपुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, पॉपुलेशन जब 2021 का आएगा डेटा तभी मानिएगा। अच्छा, ये चीज़ एक बदल चुकी है, अरेबल लैंड में इंडिया नंबर वन पे आ चुका है, कृषि योग्य जो भूमि होती है। ठीक है, अभी तक इंडिया नंबर टू पे था, कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में इंडिया नंबर वन पे आ चुका है। इसको रट लो प्लीज़, इसमें डिस्कस मत करना, मैं देख चुका हूँ पूरा, यही है, इंडिया ही नंबर वन पे, कहीं भी लिखा हो मुझे कोई एक्स वाई जेड से मतलब नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि फलाना जो है मैगजीन में ये लिखा हुआ है, अरे अगर उन लोगों ने, क्या गलती नहीं हो सकती, क्या गलती सबसे हो जाती है, गवर्नमेंट तक से गलती हो जाती है जब, तो ये सब चीज़ों में अपना थोड़ा धैर्य बना के रखा करिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत मानी जानी अगर मैगजीन है तो वो गलती नहीं कर सकती, कई गलतियां मैं खुद पकड़ता हूँ। ठीक है, कई बड़ी बड़ी मैगजीन, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी को कोई बदनाम करने का ऐसा नहीं है, लेकिन गलती सबसे होती, इतना डेटा होता है, कई बार मुझसे गलत हो जाता है, प्लस जो है बड़ी बड़ी कोचिंगों से गलत हो जाता है, तो थोड़ा सा मतलब आप अपडेट रहा करिए।
नंबर वन में इसमें इंडिया ही है, याद रखिएगा। नंबर टू पे यूएस है, यही चीज़ फिर से बताइए मैंने, ठीक है। अरेबल लैंड में नंबर वन पे इंडिया है, फिर यूएस है। तो इंडिया का जो टोटल अरेबल लैंड है 52.8% है टोटल लैंड का, कल्टिवेटेड 57% है, ठीक है। तो ये याद रखना ज़रूरी है ये, ठीक। शुगर केन में अगर आप बात करेंगे, गन्ने के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर वन पे है ब्राज़ील, फिर इंडिया है, फिर थाईलैंड है। जो मूंगफली प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर वन पे चाइना है, फिर इंडिया है, फिर नाइजीरिया है। तंबाकू के प्रोडक्शन में नंबर वन पे पूरी दुनिया में चाइना है, फिर इंडिया है, फिर ब्राज़ील है। चावल के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर वन पे चाइना है, फिर इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है। गेहूं के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर वन पे चाइना है, इंडिया है, फिर रशिया है। मक्के के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर वन पे यूएस है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है। दाल में मैं बता चुका हूँ इंडिया नंबर वन पे, फिर कनाडा है, फिर आपका म्यांमार है। फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं जो टोटल हॉर्टिकल्चर का, टोटल हॉर्टिकल्चर में और भी चीज़ें होती हैं ना, स्पाइस और ये सब भी हो जाता है, फ्लावर ओवर, लेकिन इनमें से 90% जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल का ही है। अच्छा ये बताइए, हॉर्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा जो है वेटेज किसका है, वेजिटेबल का है कि फ्रूट्स का है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। ये मैं बता चुका हूँ आपको, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का। और कई सारी ऐसी जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, जैसे कि ये आम, केला, पपीता, काजू, सुपारी, आलू, भिंडी, इन सब में भी इंडिया नंबर वन पे है। ये वाला डेटा मत देखिए, क्योंकि ये एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डेटा है, ये मैंने जानबूझ के रखा है इसलिए, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर रिपोर्ट में ये दिया हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे वाला डेटा हम मानेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया गया वही सत्य है। ये देखिए, ये मतलब चेंज है, ये कैसे जो है एरिया जो है आपका चेंज हो रहा है 2007-08 से लेके, अगर आप 2017-18 देखेंगे तो इस समय सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है पूरे इंडिया में, अगर आप देखेंगे तो जितने भी जो है क्रॉप्स उगाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है, राइस के पास है, नंबर वन पे राइस है। पहले भी नंबर वन पे राइस ही था। नंबर टू पे कौन सा है, यहाँ पे नंबर टू पे अब हो गया है पल्सेस 16%, ठीक। वैसे यहाँ पे गेहूँ होना चाहिए था, नहीं ये जो है आप देख सकते हैं, ये नंबर वन पे यहाँ पे राइस है, नंबर वन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है ये पूरा हॉर्टिकल्चर से ही लिया गया, तो नंबर टू पे पल्सेस हो गया है एरिया वाइज, अगर आप देखेंगे कैसे कैसे जो मेजर क्रॉप्स हैं उसमें कैसे एरिया चेंज हुआ है। ये मेजर जो है क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है पूरे इंडिया के, इसको देख लीजिए एक बार, 15 जोन है टोटल मिला के, और किस जोन में क्या है स्टेट एक बार इसको पढ़ना ज़रूरी है, आप पढ़ लीजिएगा खुद, इसमें मैं नहीं बोलूँगा, ये दिखा दे रहा हूँ आपको, ये मैं बता चुका हूँ पहले, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है ये वाला जो है। इसमें क्या है, मार्जिन मतलब सीमांत हो गए छोटे हो गए, मीडियम मतलब होता है मध्यम, तो और लार्ज मतलब हो गया आपका बड़े किसान, तो वो आपका सीमांत मतलब एक हेक्टेयर से कम, स्मॉल मतलब एक से दो हेक्टेयर, सेमी मीडियम मतलब दो से चार हेक्टेयर, मीडियम मतलब चार से दस, और दस से ऊपर जो है लार्ज जो है किसान होते हैं बड़े किसान। एवरेज जो मंथली इनकम होती है पर हाउस होल्ड की, वो सबसे ज़्यादा पंजाब की है, और यूपी की 4,701 रुपया, और पूरे इंडिया की है 6,426 रुपया। तो यूपी के जो किसान है उसकी आप समझ सकते हैं एग्रीकल्चर जो हाउस होल्ड इनकम है इंडिया से भी कम है, पूरे इंडिया के एवरेज से भी, सबसे ज़्यादा पंजाब की है। सबसे ज़्यादा इरीगेशन जो है आपका कहाँ पर है, इरीगेशन फैसिलिटी सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर एमपी, फिर राजस्थान में है। यूपी की अगर आप बात करेंगे, यूपी में अंदरूनी तो सबसे, यूपी में सबसे ज़्यादा जो है इरिगेशन ट्यूबवेल से होता है, फिर आपका गवर्नमेंट कैनल से, फिर जो दूसरे वेल्स हैं, तो सबसे ज़्यादा यूपी में ट्यूबवेल से होता है। ये पावर्टी में तेंदुलकर मेथडोलॉजी के हिसाब से 21.92 यहाँ पे गरीबी थी परसेंट, और सबसे गरीब राज्य लेटेस्ट डेटा के हिसाब से यही छत्तीसगढ़, और सबसे अमीर राज्य जो है गोवा है। ये कुछ डेटा दिया हुआ है, क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट, हालांकि इसमें कुछ चीज़ें जो है अपडेट हुई हैं तो इसको भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। एससी एसटी वाला जो है डेटा, ये सब आपका उसमें हो जाएगा कवर, ये तो आपका उसमें हो जाएगा सेंसस वाला वीडियो जो अगला वाला दूंगा। ये नेशनल हाईवे की लेंथ है, उसमें देखिए नंबर वन पे महाराष्ट्र, फिर यूपी है, फिर राजस्थान है, सबसे कम चंडीगढ़ में है, ठीक है। यूपी के अंदर घुस के बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यूपी में जो घुसा हुआ है नेशनल हाईवे वो है आपका ये नेशनल हाईवे 34 है, और सबसे छोटा जो है आपका यूपी में वो है 552 वाला जो है नेशनल हाईवे। साउथ कोस्ट रेलवे जो है आपका 18वां रेलवे जोन होगा, इसका मैंने बताया था हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, ठीक है। वाटरवे कितने हैं ये याद रखना ज़रूरी है, जो आपका नेशनल वाटरवे एक्ट आया था 2016, ये भी याद रखिएगा 2016 में आया था, 111 वाटरवे हैं इस समय,
पांच जो एग्जिस्टिंग नेशनल वाटरवे थे उनको मिला के, एंड 1, 2, 3 ऑपरेशनल हो चुके हैं ठीक। और इसमें अगर आप देखेंगे इसमें यही है बस इतना, और 20 जो नेशनल वाटरवे हैं वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है बस इतना। इकोनॉमी डेटा की बात करेंगे तो स्टेट जीडीपी में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, नंबर 3 पे यूपी है, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, ये यही सत्य है, प्लीज़ इसमें डिस्कस मत करिएगा, यही सत्य है। पर कैपिटा इनकम में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है गोवा की, फिर दिल्ली, फिर सिक्किम, फिर आपकी चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी। कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर में दो फैक्ट याद रखिए, नाइट्रोजन वाला जो बेस्ड होता है एनपीके होता है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं नाइट्रोजन वाला, और पूरा का पूरा हम पोटास इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा तो यहाँ लिखा है, सबसे कम मैंने नहीं लिखा है शायद, यहाँ पे भूल गया, बताइए सबसे कम किसका होगा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ पहले, IMR, MMR और TFR और आपका ये क्या बोलते हैं इसको, सेक्स रेशियो एट बर्थ प्लस चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये वाला डेटा बदल चुका है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया जी और बहनी जी। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे एफर्ट लगा के आपको ज़रूर पसंद आएगा। देखिए IMR जो है अब मतलब 1 साल के बच्चों में से पर हज़ार में कितने जो है डेथ हो जाती है, वही होता है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, 42 था 2012 में, अब 33 हो चुका है, याद रखिएगा 33 है IMR इस समय सबसे ज़्यादा IMR। और देखिए ये रूरल IMR भी जो है घटा है और अर्बन IMR जो है लगभग सेम रहा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप स्मॉल स्टेट को भी कंसिडर करेंगे तो फिर सबसे कम IMR किसका होगा, आपका नागालैंड का ठीक है, और उसका है 7 है सिर्फ ठीक है, गोवा का 9 है। और नेबरहुड में अगर आप देखेंगे IMR में तो इंडिया की पोजीशन सिर्फ पाकिस्तान और म्यांमार से जो है थोड़ी सी अच्छी है, बाकी सबसे बुरी है, जितने बाकी कंट्री हैं श्रीलंका, श्रीलंका, नेपाल, नेपाल, इन सबसे हम जो पीछे हैं IMR के मामले में। IMR इस समय कितना है इंडिया में, 33 है, सबसे ज़्यादा IMR है आपका मध्य प्रदेश में 47, हालांकि घटा है पहले, ये MPPCS वाले रट लेना इसको। नंबर 2 पे फिर असम है, नंबर 3 पे आपका उड़ीसा और यूपी दोनों हैं, IMR के मामले में यूपी नंबर 3 पे है। और बड़े राज्यों की बात करेंगे तो सबसे कम पे केरल है, लेकिन ओवरऑल बात करेंगे तो सबसे कम पे नागालैंड है, याद रखिएगा ठीक। ये देखिए ये जो टेबल बनाई है ना मैंने, ये बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल सत्य है इस समय का, इसको बिल्कुल रट लो, खा लो, चबा लो, इसमें सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं। देखिए ये लेटेस्ट डेटा है MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो 1 लाख में कंसिडर करते हैं, इंडिया का इस समय 130 नहीं है, 122 है, याद रखिएगा इस समय लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 122 है। MMR सबसे ज़्यादा असम का है 229, सबसे कम है केरल का 42, यूपी का है 216 सेकेंड नंबर पर, और नंबर 3 पर है आपका MP 188। IMR इस समय इंडिया का सॉरी ये 32 नहीं 33 है ठीक है, अभी हमने देखा था ये वाला, ये यहाँ पे फिगर इधर उधर हो गया शायद, ऐसे मैंने डाला तो इसमें ठीक था, 33 है इस समय, ये एक चीज़ यहाँ पे चेंज हो गई, ये चलिए ये वही वाली पिक आ गई है, ये 33 याद रखिएगा, 33 है ये IMR 33 है। सबसे ज़्यादा जो है आपका ये यहाँ पे देखिए डेटा उल्टा हो गया, IMR सबसे ज़्यादा आपका MP का है ठीक, और सबसे कम है आपका नागालैंड का, ये याद रखिएगा ठीक है। यूपी का अभी हमने देखा नंबर 3 पे है 41। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है वो इस समय इंडिया का हो चुका है कितना, 2.2 ठीक है, 2.2 हो चुका है इंडिया का, ये 2.3 नहीं है, ये याद रखिएगा ये चीज़। तो देखिए ये TFR कितना है इस समय, 2.3 नहीं 2.2 हो चुका है, सबसे ज़्यादा जो है टोटल फर्टिलिटी रेट है 3.2 बिहार का, और सबसे कम है दिल्ली का, दिल्ली का सबसे कम है, तमिलनाडु का 1.6 है, दिल्ली का 1.5 है, आंध्र प्रदेश का 1.6 है, आपका तेलंगाना का 1.7 है, केरल का 1.7 है, कर्नाटक का 1.7 है, जम्मू कश्मीर का 1.6 है, हिमाचल प्रदेश का 1.6 है, उत्तराखंड का 1.9 है, वेस्ट बंगाल का 1.6 है, पंजाब का 1.6 है, उड़ीसा का 1.9 है, यूपी का 3 है TFR याद रखिएगा। बर्थ रेट इस समय 20.2 है, सबसे ज़्यादा बिहार का है, सबसे कम केरल का है ठीक है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे सबसे कम अंडमान एंड निकोबार का है, डेथ रेट सबसे जो है टोटल मिला के 6.3 है, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का है, सबसे कम है नागालैंड का। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चों में कितनी बच्चियां हैं, 1000 बच्चे अगर लिए जाएंगे 0 से 6 साल तक के उसमें कितनी बच्चियां हैं, 1000 मेल मतलब बच्चे जो हैं उन पर कितनी फीमेल बच्चियाँ हैं, वो इस समय 919 है। सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका अरुणाचल प्रदेश में है 972 है, सबसे कम है हरियाणा में, यूपी का 902 है चाइल्ड सेक्स रेशियो, MP का 918, बिहार का 935 है। सेक्स रेशियो एट बर्थ ये इस समय 896 है,
सबसे ज़्यादा आपका छत्तीसगढ़ का 961 और हरियाणा का 833। ये डेटा जो है बहुत प्रिसाइज बनाया गया। ये दो फिर भी देखिए गलती हो गई यहाँ पे, हालांकि वो मैंने ऊपर लिख दिया है, वो IMR 33 है। ठीक, यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देख सकते हैं आप, वही मैंने बताया हुआ है। डेथ रेट जो है वो देखिए घटता जा रहा है लगातार। ये टोटल अगर आप बात करेंगे तो टोटल देखिए घट घट के 6.3 पे आ चुका है। सबसे ज़्यादा डेथ रेट कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। सबसे कम डेथ रेट है नागालैंड में। ये जो आपकी वो वाली कौन सी SRS वाली रिपोर्ट होती है ना, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, वो मैंने वहीं से उठाया है सब, आज उसका पोस्टमार्टम किया है पूरा। ठीक है, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप देख सकते हैं इस समय 33 हो चुका है टोटल में, और टोटल ये और सबसे ज़्यादा देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश का है, मिनिमम है नागालैंड का। ये मैंने उसी डेटा से लिया है, अब इसमें कोई बहस मत करना। कहीं जो है लिखा हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गोवा का, तो वो गोवा नहीं है, नागालैंड ही है। ठीक है, मैंने डेटा ऑफिशियल साइट से लेता हूँ मैं हमेशा। बर्थ रेट अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कम होकर 20.2 पे आ गई है। सबसे ज़्यादा बर्थ रेट है बिहार में, सबसे कम है अंडमान निकोबार पे। लेकिन अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो मैंने क्या बताया आपको, स्टेट में सबसे कम जो है बर्थ रेट आपकी है कहाँ पे? केरल में, केरल में। ठीक, बाकी सब चीज़ें मैं बता दी। अच्छा, एक चीज़ और ये बीच में जो है घुसा हुआ है, ये देखिए 20.2 ये बर्थ रेट है इस समय। डेथ रेट बर्थ मतलब पर 1000 पॉपुलेशन में, वो डेथ रेट है 6.3। इन्फेंट वाली जो है आपकी, इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ एक साल से कम वाले 33, यानी कि जो IMR है। अब ये देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट जो है TFR इस समय 2.2 हो चुका है, देख सकते हैं आपकी, नहीं देख रहे हैं ना, UP का 3 है याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बिहार का 3.2 है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट कितना होता है जल्दी से बताइए कमेंट करके। लेकिन जो है पेरेंट वांट जो है सन्स मोर, ये लिखा हुआ है ना, मतलब सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो घटा है, 898 से 896 हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये फिगर बनाने में बहुत टाइम लगा है। हालांकि ये देखिए मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया था, ये IMR वाला 33, लेकिन ये वाला जो है इधर होना चाहिए था। IMR सबसे ज़्यादा किसका है? MP का है, नागालैंड का नंबर 2 पे है, सबसे कम है मतलब। ये देखिए इसमें एक चीज़ और रिलेशन दिखाने की कोशिश की गई कि जो सबसे ज़्यादा इलिटरेट होता है मतलब राज्य, वहीं पे सबसे ज़्यादा TFR होता है। तो मतलब शिक्षा ये सिखाती है कि ज़्यादा बच्चे ना पैदा करो। केरल में देखिए जो परसेंटेज ऑफ लिटरेट इलिटरेट वो मैंने सिर्फ 0.7% है, इसीलिए यहाँ का TFR 1.7% है। बाकी भी जो साउदर्न स्टेट हैं जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब में 1.6 है। तेलंगाना और केरल कर्नाटक का 1.7 है। ठीक है, जो बाकी वाले मैंने बताया था, दिल्ली में TFR सबसे कम है, 1.5 है। ये मैं डेटा आपको बता चुका हूँ, अभी फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप का ये बढ़ता जा रहा है, एग्रीकल्चर आउटपुट में 33% हो चुका है ये। देखिए इसमें वैसे मैं ये बता चुका हूँ लेकिन फिर भी अभी एक साथ कर रहे हैं पूरा इकोनॉमिक डेटा, तो पूरा कर ही लेते हैं एक साथ। ये यूपी के कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, कि आंवले का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में, अभी मैं बताया भी था वैसे। केले का गोरखपुर में, यूपी की बात है ये, अंदर यूपी के अंदर घुस के। अमरूद बदायूं, आम लखनऊ, बीन्स लखनऊ, लौकी आगरा, लहसुन फतेहपुर। ठीक, मटर जो है यूपी में सबसे ज़्यादा जालौन, आलू आगरा, शकरकंद एटा में, टमाटर मैनपुरी में, बैंगन सबसे ज़्यादा आगरा में, गोभी उन्नाव में, गाजर बुलंदशहर में, भिंडी आगरा में। ठीक है, फिर ये वाला डेटा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं लेंगे, इसमें एक्चुअली पूरा नहीं दिया हुआ है और कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं। जैसे डेब्ट टू GDP रेशियो इस समय कितना है? करीबन जो है 20% है, थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि आसपास कितना है। करंट अकाउंट डेफिसिट 2.1% ही है। ठीक है, ट्रेड बैलेंस या फिर GDP इस समय कितना है? 6% है ये, मतलब ट्रेड जो डेफिसिट है वो करीबन 6.6% है। बाकी आगे देखते हैं। देखिए टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट कहाँ पे करता है? USA में, फिर UAE, फिर चाइना, फिर उसके बाद ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं। नेपाल भी आता है हालांकि इसमें। टॉप 10 इम्पोर्ट इंडिया कहाँ से करता है? नंबर 1 पे है आपका चाइना, फिर US है और फिर UAE है। ठीक, इम्पोर्ट मतलब होता है आयात। तो ये लिखा हुआ है वही सेम टू सेम चीज़, ये टॉप 3 आयात स्थल लिखे हुए हैं और निर्यात स्थल लिखे हुए हैं जो बताया मैंने अभी। ठीक है, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है आखिर? तो नंबर 1 पे है आपका वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर पर्ल, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन, फिर ड्रग फॉर्मुलेशन, फिर गोल्ड, फिर आयरन सिल्वर। अभी देखना इसमें कोई कमेंट जरूर करेगा कि अरे यार क्या कर रहे हो यार,
कान फाड़ दोगे क्या तुम। नेक्स्ट है इसमें एक्सपोर्ट जो है ये वही मैंने लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में लिख दिया। इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट भी सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम क्रूड होता है, फिर गोल्ड है, फिर पर्ल प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन है। ठीक, इसमें मतलब एक बार सेक्टर देख लीजिए, क्या पता है इसमें ये भी पूछ लें कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं आखिर इंपोर्टेड। टेलीकॉम हो गया, कोल कोक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनिक आयरन स्टील और इंडस्ट्रियल मशीनरी। ठीक है, वही चीज़ें मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख दी यहाँ पे, आप एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में मिलेगी, पीडीएफ के लिए प्लीज़ मत बोलिएगा। कुछ कुछ मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, और अगर इस वीडियो के 10,000 लाइक हो गए तो ज़रूर शेयर कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए ये वाला जो फिगर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। बिल्कुल, इसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत प्रयत्न करने पड़े हैं। ये जितने भी फिगर मैंने बनाए हैं ना, आप लोगों को लगता होगा कि बस ये क्या है यार, ये जरा सा डेटा है, घंटों बैठा रहता हूँ मैं इसी में, जो है मुटा गया हूँ मैं इसी में बैठ बैठ के। आप लोगों की वजह से, आप लोग जिम्मेदार हो इस चीज़ के, मेरी बॉडी में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं सारे जिम्मेदार जो है ये इसमें जो है ये सब डेटा है। ये डेटा ने जो है मुझे ये बिल्कुल जो है वैसा कर दिया है। एक टाइम मैं काफ़ी फिट हुआ करता था, पहले मैं काफ़ी फिट होता था। ठीक है, वो कॉलेज टाइम और आज टाइम में जो है काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। खैर देखिए, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और फिशिंग का जीडीपी में इंडिया में कितना कंट्रीब्यूशन है, 16.1। ये मेन डेटा है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। इंडस्ट्री में अगर आप बात करेंगे, इंडस्ट्री का जीडीपी में 29.6% का कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस का 54.3%। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर आप बात करें जीडीपी, इंडिया की जो जीडीपी है सबसे बड़ा शेयर है आपका सर्विसेज का 54.3%, नंबर टू पे है आपका इंडस्ट्री का 29.6%, और नंबर थ्री पे है आपका एग्रीकल्चर का। ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे। लेकिन अगर आप बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कौन देता है, सबसे ज़्यादा देता है एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है आपका एग्रीकल्चर। नंबर टू पे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे ये वाला मैंने फैक्टर हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन नंबर टू पे है आपका मैन्युफैक्चरिंग, नंबर थ्री पे है नंबर टू पे आपका सर्विस सेक्टर हो चुका है, और नंबर थ्री पे मैन्युफैक्चरिंग है इस समय। ठीक है, ये डेटा है इस समय, ये मैं वैसे पहले बता चुका हूँ, एक बार इसको कन्फर्म करिएगा। एम्प्लॉयमेंट वाला जो है ये आप कन्फर्म करके बताइएगा ज़रा, यही एक डेटा आपको कन्फर्म करना है कि आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में तो क्या है, सर्विस, फिर इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर, ऐसा ये है। एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन में नंबर वन पे तो एग्रीकल्चर है, ये तो मुझे एग्जैक्टली पता है। सर्विस और जहाँ तक मुझे याद है कि सर्विस नंबर टू पे आ चुका है, नंबर थ्री पे मैन्युफैक्चरिंग है। एक बार चेक करिएगा इसको। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये है परसेंटेज ग्रोथ, मतलब 2018-19 में कितना ग्रोथ किया। तो देखिए एग्रीकल्चर का ग्रोथ आप देख लीजिए, ईयर ऑन ईयर गिरता जा रहा है। 6.3% था आपका 2016-17 में, 17-18 में 5% हुआ, और 18-19 में 2.9% हुआ सिर्फ। तो एग्रीकल्चर जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो गिर गया। ठीक है, इंडस्ट्री का जो शेयर है 2016-17 में 7.7% था, 2017-18 में 5.9% हुआ, इस बार बढ़ा है थोड़ा 6.9%। और सर्विसेज का भी जो है आपका ग्रोथ जो है वो गिरा है 8.1% से 7.5% में। बस इतना ही देखना है, वही चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई हैं, देख लीजिएगा आप इसको। ठीक है, ये ग्रॉस नेशनल इनकम है अगर आप देखेंगे इस समय के हिसाब से, 2018-19 में करीबन 1,26,000 है, और ये करंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे जो है आपका 92,000 है। इंक्रीमेंट कितना है ईयर ऑन ईयर इसका 10% कांस्टेंट करंट प्राइस के हिसाब से, और कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से 5.6%। ये इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं, वो मैंने बता दिया जो मेन सेक्टर थे। अब ये इंडियन इकोनॉमी के जो है ये इकोनॉमिक सर्वे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है यहाँ। जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे ने बताई थी कि 2019-20 में इंडिया की 7% होगी, 18-19 में 6.8%। फिस्कल डेफिसिट जो है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 3.4% रहेगा 2018-19 में, 17-18 में 3.5%। इन्फ्लेशन अगर आप बात करें तो ये सीपीआई इन्फ्लेशन है, ये गिरता जा रहा है, 3.4% पे आ गया है, डब्ल्यूपीआई वाला 4.3%। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो इस समय 400 समथिंग से भी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कंपोनेंट याद रखिएगा, गोल्ड होता है, एसडीआर होता है, रिजर्व ट्रांच होता है, करेंसी होती है, चार होते हैं। रिजर्व ट्रांच आईएमएफ में होता है, वर्ल्ड बैंक में नहीं होता है, याद रखिएगा। 422 से भी ज़्यादा हो चुका है अब तो। ठीक है, फॉरेन ट्रेड ये इस समय कैसे ये इम्पोर्ट बढ़ रहा है, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है वो बताया गया है। अच्छा, फॉरेन ट्रेड की मैंने एक और पिक ली है यहाँ पे, इसको देखना जरूरी है थोड़ा। ये देखिए ओवरऑल पिक्चर देगा आपको ट्रेड की। तो इंडिया ने जो है मर्चेंडाइज आपका एक्सपोर्ट कितना किया था पिछले साल, $331 बिलियन का, और इंपोर्ट किया था कितना आपका $507 बिलियन का। ट्रेड डिफिसिट कितना रहा, $176 बिलियन का।
सर्विसेज में देखेंगे तो ट्रेड सरप्लस है, एक्सपोर्ट 204 बिलियन डॉलर का, इंपोर्ट 123, और जो है हमको सरप्लस 80 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पे मिला। ओवरऑल ट्रेड मर्चेंडाइज प्लस एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो हमने कितना किया, 535 बिलियन डॉलर, इंपोर्ट किया है 631 बिलियन डॉलर और ट्रेड डेफिसिट रहा है 95.85। ठीक, सर्विसेज का वही मैंने बताया कि इस समय जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना था, 7.5%, इंडस्ट्रियल का 6.9% और एग्रीकल्चर का 5%। वो अभी हम लोगों ने देख भी लिया था ऊपर, ये दिखाई थी जो टेबल, ये मैंने पहले ही दिखा दी, इकोनॉमिक सर्वे से ही डेटा लिया गया है, वो उसी का मतलब ये बनाया गया है। ठीक है, ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, मैंने बता ही दिया है आपको, तो इसमें क्या बताऊँ, ये वही है 2018-19 का 330 बिलियन डॉलर है और 514 है आपका ये इम्पोर्ट, तो ट्रेड बैलेंस कितना हो गया आपका 183 बिलियन डॉलर का। इम्पोर्ट में जो है वृद्धि कितनी हुई 10% और एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है 8.7%। अच्छा, ये वाला जो है यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, अभी हमने डेटा देखा था ये फॉरेन ट्रेड का, तो देखिए एक्सपोर्ट में जो ये वृद्धि हुई कितनी और इम्पोर्ट, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, चलो इसमें क्या हो गया ये, तो ये वाला हो गया। ठीक है, इसमें ये मैं बता चुका हूँ आपको, और सर्विस ट्रेड में आपको पता है सरप्लस है हमारा, तो एक्सपोर्ट हुआ है 205 बिलियन डॉलर का, इंपोर्ट हुआ 125, 80 बिलियन डॉलर का सरप्लस है कुल मिला के। ये वही का दो डेटा और है, ये देखिए ये मार्जिनल, ये एक बार देख लीजिएगा, ये कई बार आ जाती है, ये डेफिनेशन ही पूछ सकते हैं कि मार्जिनल जो है सीमांत किसान किसको बोलते हैं, एक हेक्टेयर से कम, स्मॉल होगा 1 से 2 हेक्टेयर छोटा किसान, सेमी मीडियम आपका होगा जो है 2 से 4 और 4 से 10 होगा आपका मध्यम किसान, आपका 4 से 10 हेक्टेयर वाला और 10 से ऊपर वाला जो है बड़ा किसान होगा। इनका कितना परसेंट है ये भी आप देख सकते हैं, लार्ज किसान जो है आपका मतलब बड़ा किसान है 7.7% 2015-16 के हिसाब से, और जो है आपका मार्जिनल वाला 14.6% है। अच्छा, ये वोमेन वाला है, वोमेन कितनी है इसमें ये बता रहा है, तो महिलाएँ लार्ज किसान में 7.7% है, ओवरऑल जितने जो है एग्रीकल्चर लैंड में महिलाओं का जो है जो आपकी महिलाएं ऑपरेट करती हैं वो कितना है 13.4%, तो 14% सिर्फ महिलाओं के पास है, 86% बाकी पुरुषों के पास है। इतना ही डेटा यहाँ पे लेना था ज़रूरी, बाकी ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, कोई ज़रूरत नहीं इन सब डेटा की, ये नहीं इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब शेयर कितना है जो है आपका एग्रीकल्चर वाले में, तो ये कितना है आपका प्राइवेट सेक्टर का जो है 82.7 है ये, और ये मतलब वृद्धि है ये प्रतिशत में है ये, और ये आप देख सकते हैं तो पब्लिक सेक्टर का कम है मतलब। ठीक है, जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसमें प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा शेयर है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मत देखिए बेकार चीज़ है ये, ऐसा मतलब कुछ ज़रूरी नहीं है। मछली पालन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में, करीब 14.5 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ लोगों को जो है रोज़गार दे रहा है, और प्रोडक्शन कितना था 13.7 मिलियन टन 2018-19 में, 65% जो है इनलैंड सेक्टर से आया है, ये याद रखिएगा इनलैंड से सबसे ज़्यादा आता है 65%, 50% जो इनलैंड प्रोडक्शन है वो आपका कल्चरल फिशरीज से आया, तो ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये पूरी दुनिया का 6.5% जो होता है इंडिया में, तो ये है इसमें कुल मिला के ये वाली चीज़। अच्छा, एक बात बताइए कि मत्स्य पालन में फिश के प्रोडक्शन में नंबर वन स्टेट कौन सा है, टॉप थ्री बताइए, नंबर वन टू थ्री, कुछ कुछ डेटा मैं आपसे पूछता हूँ, हालांकि मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। उसके बाद फिर ये वाला जो हो चुका है हम कर चुके हैं ये, इसके बाद ये 8 कोर इंडस्ट्री हैं। ठीक है, कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं ये याद रखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ में और पूछी जाती है, इसका एक मैंने ट्रिक भी बताई थी, C3FRN की मतलब तीन जो है सी वाले लोग फ्रेंड्स थे, अब सी क्या है वो आप जानते हैं, सी मतलब कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट, तीन जो है क्या बोलें इसमें, बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि यार तुम टीचर हो क्या, इसी बात बोला तो है, ऐसी कोई नु बात बोली जाती है भला। खैर, तीन जो है चमन फ्रेंड जो है, तीन चमन फ्रेंड थे जो कि कोर सेक्टर में गए, ये ऐसे याद रख सकते हैं आप, चमन के बाद आप खुद लगा लेना, तो ये कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट, और FRENS से क्या हो जाएगा आपका, एफ से फर्टिलाइजर, आर से जो है रिफाइनरी, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, एन से हो जाएगा नेचुरल गैस और एस से स्टील। ठीक, अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी का इस समय, और सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइजर का, ये दो चीज़ जरूर याद रखिएगा। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कोई नहीं पूछता है इसमें, बस इसमें सेक्टर पहचानने को आते हैं कि ये कोर सेक्टर में कौन कौन सा सेक्टर आता है आखिर। स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है
रिकॉग्नाइज स्टार्टअप आपके महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, नंबर फोर पे यूपी है, इतना याद रखिए बस, इससे ज़्यादा नहीं आता है कुछ भी। यही वाली चीज़ जो है दो बार आ गई है। हाँ, और ये मतलब ये अच्छा नहीं, ये दूसरी नहीं, ये सबसे ज़्यादा स्टार्टअप किस में आते हैं, आईटी सर्विसेज में, बस इतना याद रखिए। नंबर टू पे हेल्थ केयर है, वही हिंदी में लिखी है। इंडियन टेक्सटाइल अगर आप देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट जो है इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में। 12.65% जो है मैन्युफैक्चरिंग का ये इसमें शेयर है टेक्सटाइल में, और टेक्सटाइल का मतलब मैन्युफैक्चरिंग में शेयर है। 2.3% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल का, तो काफ़ी ज़्यादा है ये, ठीक है। और जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है वो भी 12% है। जो ये टेक्सटाइल सेक्टर है बिगेस्ट एम्प्लॉयर है ये एग्रीकल्चर के बाद, तो इंडिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर, फिर सिर्फ सेक्टर की बात करेंगे सब सेक्टर की तो आपका टेक्सटाइल है, ठीक है। इसको इंडस्ट्री और सर्विसेज वाले से मत जोड़िएगा। ये रोड लेंथ है, ये इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई थी, सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में रूरल रोड हैं, गाँव में की सड़कें हैं मतलब, और फिर उसके बाद है आपकी डिस्ट्रिक्ट रोड है, फिर उसके बाद अर्बन रोड हैं, और फिर जो है उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट रोड हैं, फिर स्टेट हाईवे हैं, फिर नेशनल हाईवे हैं, सबसे कम जो है आपकी एक्सप्रेस हाईवे हैं। ये मैं बता चुका हूँ आपको, सब जो है टोटल स्टेट हाईवे में, नेशनल हाईवे में, रोड में, तीनों में नंबर वन पे महाराष्ट्र ही है, ठीक। ये जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का ये मिशन जो चल रहा है ये इंडिया की रेलवे का, और करीबन 38,000 किलोमीटर जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी 2021 तक, ठीक है। अभी कितनी है, करीबन 25-30,000 के आसपास है। टोटल टेलीफोन कनेक्शन कितने हो चुके हैं इंडिया में, 118.3341, ठीक है। ये है टोटल आपका ये, और ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं एक्चुअली, ये थोड़ी सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल टेली डेंसिटी कितनी है इंडिया की, 90.10, रूरल टेली डेंसिटी 57.5 है, और अर्बन है 159.66। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है ये तो पूरी दुनिया जानती है। इंडिया का जो है पहला इनलैंड वाटरवे मल्टी मॉडल जो है टर्मिनल वाराणसी में खोला गया था, ये जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। टोटल फ़ोन कनेक्शन इंडिया में 118 करोड़ है। रिलायंस जियो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुका है, रिलायंस जियो नंबर वन में है रिवेन्यू मार्केट शेयर में, एयरटेल जो है नंबर टू पे, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। उसके बाद ये कुछ टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में कितनी है, 360 गीगावाट हो चुकी है लगभग, उसमें से थर्मल वाला जो है परसेंटेज 63.5 है। उसके बाद नंबर टू पे आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये हाइड्रो है, फिर न्यूक्लियर 1.9% है, इतना याद रखना है बस। टोटल जो है जनरेशन कितना हुआ था एनर्जी का 2018-19 में, 1376 BU, जो बिलियन यूनिट्स होता है, ठीक है। बाकी ये मैं बता चुका हूँ, हालांकि ये वाली चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं, इसको छोड़ दीजिए, टोटल ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। सर्विस सेक्टर का क्या जो है कंट्रीब्यूशन है ये जरूर देख लीजिए, BPSC, MPPCS और UPPCS वाले। बिहार में अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 62.2% है, यूपी में 48% है। UPPCS वाले लोग देख लीजिएगा इसको, MPPCS वाले लोग समझ लीजिए कि MP में सर्विस सेक्टर का 35.4% है। ये पूरी दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर में नंबर वन पे आपका US है। इंडिया एक्सपोर्टिंग में, एक्सपोर्ट मतलब करने में नंबर 8 पे था, और इंपोर्ट में, कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग है नंबर 10, ठीक है। और इंडिया का एक्सपोर्ट में कितना शेयर है, ये 2.7% है, और सॉरी 3.5% हो चुका है अब 2017 के हिसाब से, 2017 की बात कर रहे हैं हम लोग। और कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का शेयर हो चुका है 3%, वही चीज़ें यहाँ हिंदी में लिखी हुई हैं। सेवा में जो है ये वाली पिक देख चुके हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ये। फिर इसके बाद ये जो है, हाँ देखिए अब इसमें क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो सेक्टर होते हैं ना सोशल सेक्टर, उसमें कितना परसेंट ऑफ GDP इंडिया की गवर्नमेंट खर्चा करती है, वो वाली चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कल हमारे एक दोस्त रहे फेसबुक में, वो भी जो है हमसे इसमें अड़ी गए रहे हैं कि ये 1.7% है, भैया जी का पता नहीं रहा है कि हम ये डेटा में ही सोवतन, डेटा में ही खावतन। खैर ये जो है आपका कितना जो है सोशल सेक्टर में, अगर आप देखेंगे एडुकेशन में जो है, ये देखिए ये ईयर लिखा हुआ है, ठीक है, 2013-14 से लेके 2018-19 तक का लिखा हुआ है। तो एडुकेशन में पूरे इंडिया की GDP का कितना परसेंट जो होता है इस समय, 3% खर्चा करती है गवर्नमेंट। हेल्थ में इस समय 1.5% है, और बाकी अदर जो सेक्टर हैं 2.9% है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी रिकमेंड करती है कि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर का होना चाहिए 2.5% होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है ये आपका जो टॉप 3 स्टेट्स हैं
नेट स्टेट जीडीपी के हिसाब से नंबर वन पे गोवा है, फिर दिल्ली, फिर सिक्किम है। सबसे कम जो है जीडीपी किसकी है स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे, बिहार की, नंबर सेकंड लास्ट है आपका उत्तर प्रदेश। ये करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इंडिया का इस समय 2.1% है, और आपका जो है ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखेंगे तो ये करीबन 180 बिलियन डॉलर है। नेट एफडीआई इनफ्लो मतलब इंडिया में जो आया और प्लस गया वो इस समय 30.7 बिलियन डॉलर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये टोटल जो है ये पूरा दिया हुआ है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये, इसमें इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है कितना है, 2.1% है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। और इसमें अगर आप देखेंगे सब्सिडी सबसे ज़्यादा इंडिया में किसको मिलती है, सबसे ज़्यादा फूड है, फिर फर्टिलाइज़र है, फिर पेट्रोलियम है। FFP याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा फूड की है, देख रहे हैं आप टोटल जो सब्सिडी अगर आप देखेंगे यहाँ पे। तो पहली बात तो परसेंटेज ऑफ GDP अगर आप निकालेंगे टोटल कितना है, 1% जो है ये आपकी रह गई है टोटल सब्सिडी, जो मेजर सब्सिडी है उसमें से 0.5% ऑफ जो GDP वो मिलता है फूड को, फिर फर्टिलाइज़र, फिर पेट्रोलियम, बस इतना याद रखना है। ट्रांसफ़र टू स्टेट एज परसेंटेज ऑफ GDP में अगर आप देखेंगे 4% जो है GDP का हो जाता है, जितना भी ट्रांसफ़र टू स्टेट में अगर आप देखें डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स में, ठीक है, 0.6% फाइनेंस कमीशन वाला है और बाकी जो सेंट्रल सर्विसेज और जो दूसरे ट्रांसफ़र हैं वो सब में है। ये जो है परफॉर्मेंस है स्टेट की SDG में कि किसने जो है बेहतर परफॉर्मेंस किया है, इधर वाला जो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये इसमें यूपी वाला देख लीजिए, यूपी ने तो खराब ही परफॉर्म किया होगा, ऑब्वियस ही बात है। ये देखिए यूपी का डेटा अगर आप देखेंगे, इधर सारे पे हम जो है फेल हो रहे हैं, तो ओवरऑल स्कोर भी हमारा इतना अच्छा नहीं है कोई, ठीक है। ये हालांकि इसके बाद ये रैंकिंग जरूरी है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट और यूटी ऑन SDG कंपोजिट इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग का है, नंबर वन पे था इसमें हिमाचल प्रदेश, फिर केरला, नंबर लास्ट पे ही है हम लोग, 42 जो है यहाँ पे हमारा स्कोर है बस। एस्पिरेंट्स हैं हम लोग, तो चार कैटेगरी थी, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। अचीवर है आपका, अच्छा अचीवर तो है नहीं कोई, ठीक है, अचीवर कोई नहीं है, तो मतलब फिर भी जो है हिमाचल प्रदेश टॉप पे, फ्रंट रनर है हिमाचल प्रदेश, केरल और आपका छत्तीसगढ़, ये टॉप 3 हो गया SDG कंपोजिट इंडेक्स में। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पूरी दुनिया में इंडिया में आता है, फिर चाइना, फिर मेक्सिको, ये बता चुका हूँ हालांकि, ठीक है। इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट कितना है इस समय, 2.6% बढ़ गया था, 543 बिलियन डॉलर है हमारा जो है ये एक्सटर्नल डेब्ट, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपका शॉर्ट टर्म डेब्ट है, कॉमर्शियल बोरोइंग है और नॉन NRI जो डिपॉजिट है, तो ये है आपका 543 बिलियन डॉलर, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। और एक्सटर्नल जो डेब्ट टू GDP रेशियो कितना है, 19.7% है। ये दोनों एग्जैक्टली फैक्ट टू फैक्ट डेटा याद रखिएगा, ठीक है, तो ये ज़रूरी है ये चीज़ें। उसके बाद अगर आप बात करेंगे सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है एक्सटर्नल डेब्ट का, वो है आपका कॉमर्शियल बोरोइंग, लार्जेस्ट कंपोनेंट है, देख लीजिए आप, इसका शेयर है 38%। नंबर टू पे है आपका NRI डिपॉजिट 24% के साथ, शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिपॉजिट ट्रेड जो क्रेडिट है वो 18.9% है। और इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा डेब्ट है ये लॉन्ग टर्म डेब्ट है, डेट है, मतलब इसको डेट बोलते हैं, बी यहाँ पे साइलेंट होता है, और ये है करीबन 434.6 बिलियन डॉलर। अगर करेंसी में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा डेट है वो है आपका US डॉलर में, ठीक, उसके बाद जो है रुपी में है, फिर येन में है, फिर SGR में, फिर यूरो में है। तो ये कुछ डेटा है। टॉप 3 स्टेट अगर आप देखेंगे, स्टेट क्या है, सबसे ज़्यादा जो है लैंड यूज़ अगर आप देखेंगे, ये मतलब नेट सोन एरिया कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है, नेट सोन एरिया राजस्थान, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर यूपी। ग्रॉस सोन एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आपका नेट इरीगेटेड एरिया यूपी, MP, राजस्थान, ठीक है, ग्रॉस इरीगेटेड एरिया जो है यूपी, MP, राजस्थान। सबसे अगर आप 2017 की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की स्टेट वाइज रैंक देखेंगे, लोएस्ट रैंक थी आपकी अरुणाचल प्रदेश की, सबसे ख़राब मतलब, फिर मेघालय, फिर आपकी ये लक्षद्वीप, और नंबर वन पे कौन सा स्टेट था, आंध्र प्रदेश, पिछले 2-3 साल से नंबर वन पे है, फिर तेलंगाना, फिर हरियाणा, फिर झारखंड, फिर आपका गुजरात, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिख दी हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की नंबर वन रैंकिंग थी नीति आयोग के ईज ऑफ डूइंग फार्म बिजनेस इंडेक्स में, ठीक है, तो AMFRPRI एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग और फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स में महाराष्ट्र को नंबर वन मिला था यहाँ पे, ठीक है। गुजरात नंबर 2 था, याद रखिएगा, फिर आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश है। ये कुछ एनर्जी का डेटा है, हालांकि बता चुका हूँ मैं, रिन्यूएबल एनर्जी बायो पावर में नंबर वन पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे आपका यूपी है, स्मॉल हाइड्रो पावर में नंबर 1 पे कर्नाटक है, फिर हिमाचल प्रदेश है,
सोलर पावर में नंबर वन पे कर्नाटक है, याद रखिएगा, फिर तेलंगाना, फिर राजस्थान है। विंड पावर में नंबर वन पे तमिलनाडु, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में टोटल नंबर में नंबर वन पे कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र है। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है आपका? बायो पावर, स्मॉल हाइड्रो, सोलर पावर, विंड पावर और वेस्ट टू एनर्जी, ये सारे आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि सबसे ज़्यादा जो है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे होता है? इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर, सॉरी इंडस्ट्री, फिर डोमेस्टिक, फिर एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री वाइज अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री किस कहाँ पे मतलब खर्चा होता है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। सेक्टर वाइज बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे ये खर्चा हो रहा है? ये सॉरी सेक्टर वाइज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहाँ पे हो रहा है? सबसे ज़्यादा रिटेल में, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और टॉप फाइव हैं एनर्जी की लिस्ट। टोटल अगर आप देखेंगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में नंबर वन पे महाराष्ट्र, फिर गुजरात है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में मैंने बताया आपको कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। न्यूक्लियर में नंबर वन पे तमिलनाडु, महाराष्ट्र है। कोल में नंबर वन पे महाराष्ट्र है, नंबर टू पे छत्तीसगढ़, नंबर थ्री पे यूपी है। हाइड्रो में नंबर वन पे हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर कर्नाटक है। कोल में नंबर वन पे महाराष्ट्र है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर यूपी है। गैस में नंबर वन पे गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है। थर्मल जो है, थर्मल में आपका नंबर वन पे महाराष्ट्र है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर यूपी है। डीजल में नंबर वन पे तमिलनाडु, फिर केरल, फिर ये आपका कर्नाटक है। ये टोटल इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी की लिस्ट लिखी हुई है। सॉरी ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला टारगेट है। ये रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आता है? विंड, सोलर, बायो पावर और वेस्ट पावर, स्मॉल हाइड्रो, मैंने बताया था आपको। इसमें सबसे ज़्यादा जो है रिन्यूएबल एनर्जी में आपका परसेंटेज किसका है? आपका ये वाला, ये जो हरा हरा दिख रहा है, विंड पावर। तो टोटल जो हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन इस समय हो रहा है, इस समय 80 गीगावाट की कैपेसिटी है और 175 का हमारा टारगेट है, जिसमें से 100 गीगावाट का टारगेट था सोलर का, 60 गीगावाट का था विंड पावर का, 10 का था आपका बायो पावर और प्लस 5 का था आपका स्मॉल हाइड्रो पावर। इसमें से 175 में से 80 हमने अचीव कर लिया, ठीक है। ये चीज़ है, स्मॉल हाइड्रो पावर मतलब होता है कि 25 मेगावाट तक जो प्लांट होते हैं उनको स्मॉल हाइड्रो बोलते हैं, उससे ज़्यादा जो है लार्ज हाइड्रो बोलते हैं। ये जो है टोटल इंस्टॉल्ड ग्रिड कैपेसिटी है, अगर आप देखेंगे इसमें तो इसमें कोल का परसेंटेज है 54%, लार्ज हाइड्रो का 12.6% है और जो बाकी रिन्यूएबल का 22% है, गैस का 6.9 है और आपका डीजल का 0.4, न्यूक्लियर का 1.9 है। ये हुआ है पूरा कंट्रीब्यूशन। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो है टोटल सबसे ज़्यादा जो है अगर जोन वाइज बात करेंगे तो वेस्टर्न में सबसे ज़्यादा है इंस्टॉल कैपेसिटी, ये देख सकते हैं आप। रिन्यूएबल एनर्जी इस समय कितनी कैपेसिटी है? 80 गीगावाट है। हाइड्रो की 45 गीगावाट है, न्यूक्लियर की 6.78 गीगावाट है। टोटल जो है आपकी थर्मल की 227 गीगावाट है। थर्मल में आता क्या क्या है? कोल, लिग्नाइट, गैस और डीजल, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि थर्मल के कंपोनेंट कौन से हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के कंपोनेंट कौन से हैं, तो दोनों मैंने बता दिए, थर्मल के कोल, लिग्नाइट, गैस और डीजल। मैं ये एक्चुअली थोड़ा डेटा पढ़ना आना चाहिए। 360 गीगावाट टोटल है मिला के इस समय। टोटल में से अगर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा थर्मल है, नंबर टू पे आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। वही वाला डेटा अलग अलग तरीकों से दिया हुआ है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर आप ओवरऑल मतलब एक एक सेक्टर की बात करें तो कोल की सबसे ज़्यादा है, तो उसमें देखिए थर्मल नंबर वन पे है, फिर आपका थर्मल का कंपोनेंट है ना कोल एक्चुअली, थर्मल, फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हाइड्रो, न्यूक्लियर, कोल, लार्ज हाइड्रो पावर और प्लस विंड और सोलर, ठीक। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में आप बात करेंगे तो वही मैंने जो बताया, कोल, फिर आपका कोल का है इतना, वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं बार बार, ज़रूरत नहीं इतनी। पर कैपिटा कंजम्पशन इस समय कितना है आपका? ये है 1181, ठीक है, 1181 है किलोवाट आवर 2018-19 के डेटा के हिसाब से। पर कैपिटा जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये, ठीक है, ये देखिए वही टोटल जो है वही ग्राफ बना हुआ है। टोटल थर्मल में देखिए क्या आता है, कोल, लिग्नाइट, गैस, डीजल 63% है टोटल इस समय थर्मल। कोल है 54%, लिग्नाइट 1.7%, गैस 6.9%, डीजल 0.2%। फिर हाइड्रो पावर है इस समय 12.6%, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 22% है, न्यूक्लियर एनर्जी 1.9% है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए टोटल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टारगेट कन्वेंशनल का कितना था, 1330 बिलियन यूनिट, ठीक है, और हमने कितना अचीव किया है 2018-19 में, 1249 बिलियन यूनिट। 1 बिलियन यूनिट जो होता है वो इतना जो है ताकतवर होता है कि 10 मिलियन मतलब कितना हो गया, 1 करोड़ घरों को जो है ये दे सकता है 3 यूनिट पर डे, ठीक है। तो 1249 है इस समय, वही सब चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है। न्यूक्लियर पावर एनर्जी की बात करें, अच्छा ये गोरखपुर, ये हरियाणा में, ये मैंने पिछली बार गलत बोल दिया था यहाँ पे, तो ये सारे जो है प्लांट हैं, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 6780 गीगावाट की कैपेसिटी है। सबसे ज़्यादा जो है न्यूक्लियर में देख लीजिए आप,
कूडनकुलम है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु ही नंबर वन न्यूक्लियर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। तारापुर महाराष्ट्र, राजस्थान कहेगा कर्नाटक में, काकरा पर गुजरात में है, मद्रास जो है आपका तमिलनाडु में है, और नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है। ये वाला वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। 2017-18 के जो है मूल के अनुसार अगर आप देखेंगे, राजस्थान नंबर वन स्टेट है खनिजों के उत्पादन के मामले में, फिर उड़ीसा है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। ठीक है, यही सब चीज़ें लिखी हुई है और यही उसी का जो है ग्राफ बना हुआ है। ये मिनरल और ये वाला मिनरल एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्शन वाला जो मैं डेटा दे चुका हूँ वही है इसमें, वही जोड़ लीजिएगा। मिनरल और एग्रीकल्चर वाला जो है उसके अलावा बाकी सब चीज़ सेम है यहाँ पे। इसको मैं बाकी पहले भी कवर कर चुका हूँ। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो चुका है स्टील का चाइना के बाद, ये वाला भी डेटा मैं बता चुका हूँ। अभी तक टोटल CO2 के एमिशन के मामले में मतलब पूरे पिछले 40 सालों में US नंबर वन पे है, इंडिया नंबर 7 पे था। कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ। और टोटल इस समय अगर CO2 एमिशन के मामले में इंडिया नंबर 3 पे है, चाइना नंबर वन पे है, पर कैपिटा में कतर नंबर वन पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोल माइन झारखंड में है। देश में टोटल तेल सालाएँ 23 हैं, 18 जो है सार्वजनिक है, 2 संयुक्त है, 3 निजी हैं। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये वाला पूरा डेटा हो गया। अब इसके बाद जो ये वाली है, एक मिनट रुको बताता हूँ, ये वाला डेटा है, ये मैं वैसे पहले बता चुका हूँ लेकिन जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको जल्दी से, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। इसमें पहले मैंने कुछ फ्लो चार्ट बनाए थे, यूपी कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नंबर पे है। तो पहले नंबर पे है यूपी, मतलब प्रोडक्शन में अमरूद, आम, खरबूजा, तरबूजा, मटर, आलू, गेहूँ। ठीक है, कुल खाद्यान्न में भी नंबर वन पे यूपी है, मशरूम में भी नंबर वन पे यूपी है, आंवले में नंबर वन पे यूपी है, गन्ने में नंबर वन पे यूपी है, चीनी में नंबर वन पे यूपी है प्रोडक्शन में, वेजिटेबल सब्जी में नंबर वन पे यूपी है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन बागवानी के उत्पादन में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर वन पे यूपी है। ठीक है, शुगर केन के प्रोडक्शन में भी आपका एरिया वाइज जो है नंबर वन पे यूपी है। ये हो गया यूपी के। फिर अगर बात यूपी और किस में है, लौकी में नंबर 2 पे है, फ्रूट के प्रोडक्शन में नंबर 3 पे है, केले के प्रोडक्शन में नंबर 5 पे है यूपी, फूलों के प्रोडक्शन में नंबर 8 पे है, 10वें नंबर पे है मसालों के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में नंबर 3 है। ठीक है, राजस्थान में क्या कहाँ पे है, राजस्थान जो है जिंक का पूरा प्रोडक्शन इंडिया का राजस्थान में ही होता है, रिजर्व भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। चांदी के प्रोडक्शन में जो है, चांदी का प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में नंबर वन पे राजस्थान है। रेपसीड मस्टर्ड के प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर वन पे है। ठीक, कोकोआ में नंबर वन पे है आपका आंध्र प्रदेश, कॉफ़ी में नंबर वन पे कर्नाटक है। गुजरात किस में नंबर वन पे है, कपास, मूंगफली यानी कि कॉटन, कोकोनट, भिंडी, कमिन और बीन। कर्नाटक नंबर वन पे किस में है, सुपाड़ी, देखिए ये लिखा हुआ है सब कुछ, आज बिना जो है मजाक के सब चीज़ें करेंगे, ये इकोनॉमी पापा को छोटू सा वीडियो बनाना है। अरेका नट, कैप्सिकम, सनफ्लावर और आपका मक्का, टामारिंड और ये गोल्ड हो गया, ग्रीन चिली और सिल्क हो गया, ये सारे में नंबर वन पे कर्नाटक है। मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी पीसेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमपी नंबर वन पे ये हीरे के प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में है, सोयाबीन में नंबर वन पे एमपी है, तिलहन में, ऑयल सीड में नंबर वन पे, स्पाइस में, चने में है, धनिया में नंबर वन पे यूपी है, सॉरी एमपी है। तीसरे नंबर पे है एमपी सब्जी के उत्पादन में, तीसरे में है गेहूं और नींबू में, और सेकंड नंबर पे टोटल फूड ग्रेन्स में है, सेकंड नंबर पे आंवला और अमरूद में है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे है एमपी फलों के उत्पादन में, ये हो गया पूरा। फिर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा नंबर वन पे है जो है आपका बताया था खीरा और गाजर में। आंध्र प्रदेश नंबर वन पे कहाँ कहाँ पे है, टमाटर, केला, पपीता और सूखी मिर्च। ठीक है, बिहार नंबर वन पे कहाँ कहाँ पे है आपका, ये 8वें नंबर पे फ्रूट्स के प्रोडक्शन में, 4थे नंबर पे सब्जियों में है, 10वें नंबर पे बागवानी में है, हॉर्टिकल्चर मतलब, और ये आपका 3rd नंबर पे गुआवा में है और प्लस अमरूद में है बिहार। ठीक है, और पहले नंबर पे लौकी के प्रोडक्शन में नंबर वन पे आपका बिहार है। तो ये वाला डेटा हो गया अपना, ये अभी तक हम लोगों ने देख लिया इसमें बिहार तक, जो स्टेट वाइज मैंने अलग से बना के रखा था। अब देखिए ये जो रेशम यानी कि सिल्क में पूरी दुनिया में नंबर वन पे है आपका चाइना, फिर नंबर 2 पे इंडिया, फिर उज्बेकिस्तान लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो जितना सिल्क प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा मलबरी का होता है, जितनी सिल्क होती है उसमें 72% जो है मलबरी है। ठीक है, फिर अगर आप बाकी जो है टाइप्स देखेंगे इंडिया में तो सिल्क प्रोडक्शन में ओवरऑल कर्नाटक नंबर वन पे, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर असम, झारखंड है। 4 टाइप की सिल्क होती है प्रोडक्शन, मलबरी में नंबर वन पे कर्नाटक है, इरी में नंबर वन पे असम है, तसर में नंबर वन पे झारखंड है, मूगा में नंबर वन पे असम है। ठीक, प्रोडक्शन की बात करेंगे, मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, ये फल में नंबर वन पे आंध्र प्रदेश है,
नंबर तीन पे यूपी है हमारा, सब्जी में नंबर वन पे यूपी है, बागानी यानी कि प्लांटेशन में नंबर वन पे केरल है, फूल में नंबर वन पे तमिलनाडु है, केरल में नंबर ये अरे कर ये कोकोनट में नंबर वन पे केरल है, और प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट कहाँ पे है कोकोनट में, आंध्र प्रदेश की, ये मैं पहले बता चुका हूँ सारी चीज़ें। ये वाला डेटा अभी हम लोगों ने देख ही लिया है पूरा, ठीक है, ये एक बार देख लीजिए फिर से, ये वाले डेटा को फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी मैंने जस्ट बताया है, जस्ट अभी अभी बताया है, ठीक है। इम्पोर्ट अगर आप देखेंगे तो इंडिया सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट कहाँ इम्पोर्ट करता है, यूएसए से, और प्रोसेस्ड फूड जो है इम्पोर्ट कहाँ से करता है, अफगानिस्तान से, फ्लावर कहाँ से करता है आपका इम्पोर्ट, नीदरलैंड से, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे करता है, फ्लोरिकल्चर यानी कि फूल निर्यात करता है यूएसए को। कृषि का जो है टोटल मिला के इम्पोर्ट में कितना परसेंटेज है, 5%, 12.8% एक्सपोर्ट में है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट इंडिया से, वो है मरीन प्रोडक्ट, नंबर वन पे मरीन है, नंबर टू पे बासमती है, इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा होता है वेजिटेबल। मैं इसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा बता रहा हूँ, इससे आएगा ज़रूर, ये वाला बता चुका हूँ मैं। इंडिया की बात करें, इंडिया के पूरा ये फ्लोचार्ट दिया हुआ है, इंडिया छठे नंबर पे मीट प्रोडक्शन में है पूरी दुनिया में, नंबर वन पे मिल्क प्रोडक्शन में, नंबर तीन में अंडे के प्रोडक्शन में, नंबर तीन में भेड़ है, नंबर टू पे बकरी, नंबर छः पे चिकन, कृषि योग्य भूमि में नंबर वन पे आ चुका है, थर्ड है सीरियल में रेपसीड में, सेकंड है वीट यानी कि गेहूँ और चावल और मूँगफली में, नंबर वन पे है इंडिया पूरी दुनिया में दाल, जूट, भिंडी, केला, आम, अमरूद, ये नींबू, पपाया, नंबर दो पे है पूरी दुनिया में इंडिया गन्ना, अरे कहाँ गया यार, गन्ना, मूंगफली, टी, टोमेटो, ये प्याज, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी दोनों, और अमीरो वाली गोभी, ब्रोकली भी, उसमें भी नंबर दो पे है, ब्रिंजल यानी कि बैंगन में नंबर दो पे है इंडिया, वेजिटेबल में नंबर दो पे है, फ्रूट्स में नंबर दो पे है, ये आलू और प्याज में नंबर दो पे है, कैटल में नंबर दो पे है, टोबैको में नंबर दो पे है, पाँचवें नंबर पे एप्पल के प्रोडक्शन में, पाइन एप्पल प्रोडक्शन में इंडिया, सातवें नंबर पे अंगूर के प्रोडक्शन में, तीसरे नंबर पे ऑरेंज के प्रोडक्शन में, तीसरे नंबर पे साइट्रस प्रोडक्शन में, साइट्रस फ्रूट्स के प्रोडक्शन में इंडिया, सातवें नंबर पे मक्के के प्रोडक्शन में, सोलहवें नंबर पे है इंडिया ऊंट के मामले में नंबर वन, और नंबर वन पे है भैंसों के मामले में। ये पूरा मैं दे चुका हूँ पेड ग्रुप में। अब ये देखिए ये जो मिनरल वाला है डेटा, इसमें आप देख सकते हैं एक बार, ये मैंने वैसे बताया हुआ है ये, फिर भी लेकिन चलिए मिनरल वाला भी एक साथ देख लेते हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, चौथे नंबर पे एलुमिना में है, तीसरे नंबर पे एलुमिनियम में है, पाँचवें नंबर पे बॉक्साइट में है, चौथे नंबर पे क्रोमाइट में है, चौथे नंबर पे आयरन ओर में है, फिर ये चौथे नंबर पे बेंटोनाइट में, पाँचवें नंबर पे फेल्सपर में है, छठे नंबर पे मैंगनीज जिंक में, चौथे नंबर पे लेड में, सातवें नंबर पे है मैग्नेसाइट में, आठवें है, दूसरे नंबर पे काइनाइट में, फर्स्ट नंबर पे सिलिमिनाइट में है, सत्रहवें नंबर पे रॉक फॉस्फेट पे है। एक साथ इतना डेटा है, दिमाग का दही हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सावधानी से पढ़िएगा पूरा। मैं ये डेटा पूरा दे चुका हूँ, ये मिनरल वाला भी दे चुका हूँ, इसको मैं एक बार ये यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ फिर भी। यूरेनियम में प्रोडक्शन में नंबर वन पे कजाकिस्तान है, रिजर्व में नंबर वन पे ऑस्ट्रेलिया है, हाईएस्ट यूरेनियम रिजर्व इंडिया में एपी में है, आंध्र प्रदेश में, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। कच्चे तेल में पूरी दुनिया में इस समय सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूएसए, सबसे ज़्यादा भंडार है वेनेजुएला में। नेचुरल गैस में नंबर वन पे पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में यूएसए है, और रिजर्व में रशिया। कोयले में अगर आप देखेंगे तो पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है रिजर्व है झारखंड में, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए तीनों बता रहा हूँ। प्रोडक्शन में कोयले में नंबर वन पे उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है। इंडिया में जो कोल जितना भी होता है 84% पावर सेक्टर में जाता है, कोल डिपॉजिट ज़्यादातर ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में है। लिग्नाइट के प्रोडक्शन में और रिजर्व में दोनों में तमिलनाडु नंबर वन पे, याद रखिएगा। कोयले में विश्व में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया ये पाँचवें नंबर पे है प्रोडक्शन में, ठीक है, रिजर्व में, सॉरी, पाँचवें नंबर पे है कोयले में, नंबर वन पे यूएसए, फिर रशिया है, और प्रोडक्शन में कोयले में नंबर दो पे है। तो कोयले में पाँचवें नंबर पे हम रिजर्व वाइज हैं, और दूसरे नंबर में प्रोडक्शन वाइज हैं। बॉक्साइड की बात करेंगे अगर आप, तो स्टेट में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है रिजर्व है उड़ीसा में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी उड़ीसा से ही होता है, सबसे ज़्यादा रिजर्व जो बॉक्साइड के ईस्ट कोस्ट में है। पूरी दुनिया में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व गिनी में, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया पाँचवें नंबर पर है बॉक्साइट में, ठीक। कच्चे तेल की बात करेंगे तो ऑफशोर को बोलते हैं अपतटीय, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, ऑनशोर को बोलते हैं तटीय, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इसको। इसमें देखिए भारत में जो रिजर्व हैं अगर आपके कच्चे तेल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑनशोर यानी कि तटीय में है, अब तटीय से ज़्यादा। और अगर आप वैसे स्टेट को भी ले लें तो आप जो है देखेंगे कच्चे तेल में सबसे ज़्यादा वेस्टर्न ऑफशोर में है,
फिर असम में है, फिर गुजरात में। मतलब सिर्फ स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है, असम में, फिर गुजरात में। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ऑफशोर में होता है, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात, फिर असम। मतलब सबसे ज़्यादा अगर राज्य पूछेंगे सिर्फ तो प्रोडक्शन कच्चे तेल का कहाँ पे होता है, राजस्थान, फिर गुजरात। और सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे हैं, रिजर्व का मतलब होता है भंडार, वो आपके असम में राज्य वाइज। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, रिजर्व मतलब भंडार, प्रोडक्शन मतलब जो है ये प्रॉड मतलब प्रोडक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो ऑफशोर में ज़्यादा है ऑनशोर से। अभी हमने देखा था कि जो आपके तेल ऑनशोर में ज़्यादा है ऑफशोर से, ठीक है। और नेचुरल गैस में अगर आप रिजर्व की बात करेंगे तो ईस्टर्न ऑफशोर में सबसे ज़्यादा है, फिर वेस्टर्न ऑफशोर में, फिर असम, फिर वेस्ट बंगाल। मतलब अगर आप सिर्फ राज्य की बात करें भंडार में तो दोनों में, कच्चे तेल में भी और आपका प्राकृतिक गैस में भी, असम नंबर वन पे है, ठीक है। लेकिन कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान है राज्य में, और असम है नंबर वन पे आपका राज्य वाइज अगर आप बात करेंगे प्राकृतिक गैस में। तो प्राकृतिक गैस में क्या है, ऑफशोर, फिर असम, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, ठीक है। क्रोमाइट में अगर आप देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों उड़ीसा में होता है। अब विश्व में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है साउथ अफ्रीका में और रिजर्व जो है आपका कजाकिस्तान में। नंबर तीन में है क्रोमाइट में इंडिया, ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। कॉपर में बात करें अगर आप तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में MP में, और रिजर्व है आपका राजस्थान में। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों चिली में है, ठीक। हीरा में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है MP में रिजर्व है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी MP में ही होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी और रिजर्व दोनों रशिया के में है, हीरा में। सोने में बात करेंगे तो प्लेसर टाइप जो गोल्ड है वो हाईएस्ट केरल में पाया जाता है। रिजर्व सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी रिजर्व सबसे ज़्यादा आपका बिहार राजस्थान में है, लेकिन मेटल कंटेंट सबसे ज़्यादा जो होता है वो कर्नाटक में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सोने का रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है तो कर्नाटक ही लिखेंगे आप। अलग से पूछ लिया गया कि प्राइमरी गोल्ड ओर किस में सबसे ज़्यादा, तो बिहार है, ठीक है। भारत में अगर आप देखेंगे रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे सोने का, कर्नाटक में है। प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया में, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है चाइना में, ठीक है। आयरन और लौह अयस्क की बात करेंगे तो भारत में जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो हैं। हेमेटाइट का रिजर्व सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, मैग्नेटाइट का सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है। प्रोडक्शन दोनों का सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में है। विश्व में बात करेंगे तो रिजर्व सबसे ज़्यादा आपका ऑस्ट्रेलिया में आयरन ओर का, और प्रोडक्शन में नंबर वन पे जो है चाइना है। तो आयरन ओर में अगर आप देखेंगे विश्व में रिजर्व में हम पाँचवें नंबर पे हैं और प्रोडक्शन में चौथे नंबर पे हैं। चांदी की बता चुका हूँ मैं, चांदी जो है राजस्थान की है, रिजर्व प्रोडक्शन दोनों में है। और अगर आप उसकी बात करेंगे तो आपका पेरू सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में रिजर्व में, और प्रोडक्शन के मामले में मेक्सिको। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, रिजर्व मतलब भंडार। अभ्रक जो होता है, माइका जो होती है, उसमें रिजर्व सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। माइका शीट में नंबर वन पे भारत है। पूरी दुनिया में अगर आप ये इसकी बात करेंगे प्रोडक्शन की, इसके माइका के, तो इंडिया में जो इंडिया जो है नंबर वन पे है माइका नेचुरल शीट के प्रोडक्शन में। और वैसे प्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो है आपका ब्राज़ील नंबर वन पे है माइका के प्रोडक्शन में। माइका शीट में सिर्फ इंडिया नंबर वन पे है। सीमेंट के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया नंबर टू पे है चाइना के बाद। बैराइट में इंडिया अगर आप देखें, इंडिया में आंध्र प्रदेश में प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में नंबर वन पे है। विश्व में देखेंगे तो प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में आपका बैराइट में चाइना नंबर वन पे है। क्रोमाइट में बात करेंगे अगर आप तो प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में नंबर वन पे उड़ीसा है आपका। और विश्व में रिजर्व सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान के पास है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका के पास है। और ये जो है अभी हमने देखा ये कि क्रोमाइट में नंबर तीन पे रिजर्व में इंडिया, और नंबर फोर में है प्रोडक्शन में इंडिया, ठीक है। ग्रेफाइट में अभी मैंने बताया, ग्रेफाइट में सबसे ज़्यादा रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये थोड़े दिन पहले न्यूज़ भी आई थी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तमिलनाडु में। विश्व में बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है चाइना में, और सबसे ज़्यादा रिजर्व टर्की में, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। एलुमिनियम में अगर आप देखेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना का है। एलुमिनियम में जो है, एलुमिनियम में नंबर वन चार पे हम इंडिया हैं। एलुमिनियम में प्रोडक्शन नंबर तीन पे इंडिया है, चाइना नंबर वन पे है। कैडमियम में अगर आप बात करेंगे तो प्रोडक्शन सिर्फ राजस्थान में होता है, और पूरे विश्व में अगर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो सिर्फ चाइना में होता है, ठीक है। इस चाइना मतलब नंबर वन पे कैडमियम में। मैंगनीज की बात करेंगे प्रोडक्शन में MP नंबर वन पे है, रिजर्व में उड़ीसा नंबर वन पे है। विश्व में बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका ही है जो मैंगनीज और के प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में नंबर वन पे है, ठीक है। मैंगनीज के प्रोडक्शन और रिजर्व में दोनों में हम नंबर छः पे हैं। लेड जिंक की बात करेंगे तो दोनों एक साथ पाए जाते हैं, रिजर्व और प्रोडक्शन में दोनों में राजस्थान नंबर वन पे है भारत में। पूरी दुनिया में बात करेंगे अगर आप तो ये लेड और जिंक का जो है आपका रिजर्व सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, प्रोडक्शन और
मतलब जिंक का जो है सबसे ज़्यादा रिजर्व आपका ऑस्ट्रेलिया में, लेड का भी सबसे ज़्यादा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है। फिर प्रोडक्शन में अगर आप बात करेंगे तो दोनों में चाइना नंबर वन पे, लेड जिंक दोनों में। इंडिया जो है लेड के प्रोडक्शन में 7वें नंबर पे है और जिंक के प्रोडक्शन में 4थे नंबर पे है। तो ये है लेड जिंक का। रॉक फॉस्फेट में अगर आप देखेंगे भारत में नंबर वन पे झारखंड रिजर्व में, प्रोडक्शन में जो है राजस्थान है। ठीक है, एपेटाइट का हाईएस्ट रिजर्व झारखंड में, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। विश्व में अगर आप बात करेंगे तो मोरक्को नंबर वन पे है और आपका चाइना जो है रिजर्व में, चाइना प्रोडक्शन नंबर वन पे है रॉक फॉस्फेट में, और रिजर्व में मोरक्को और वेस्टर्न सहारा, चाइना नंबर दो पे है। कोबाल्ट में अगर आप बात करेंगे तो रिजर्व में नंबर वन पे ये उड़ीसा है भारत में, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। और विश्व में अगर आप बात करें कोबाल्ट में, कॉन्गो का जो किनशासा जो अला रीजन है वो नंबर वन पे रिजर्व में है, और प्रोडक्शन में जो है आपका DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद निकिल में बात करेंगे तो भारत में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा रिजर्व, प्रोडक्शन नहीं हुआ। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है आपका निकिल का रिजर्व इंडोनेशिया में, प्रोडक्शन है कनाडा में। मैग्नेसाइट की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा रिजर्व उत्तराखंड में, और प्रोडक्शन में नंबर वन पे तमिलनाडु है। विश्व की बात करेंगे तो रिजर्व सबसे ज़्यादा रिजर्व प्रोडक्शन दोनों रशिया में है मैग्नेसाइट में। काइनाइट, सिलिमनाइट और एंडेलुसाइट, ये वाला मैं बता चुका हूँ, हालांकि इसका फॉर्मूला तीनों का सेम है। काइनाइट में नंबर वन पे तेलंगाना है, प्रोडक्शन में रिजर्व में नंबर वन पे तेलंगाना है, प्रोडक्शन में महाराष्ट्र है। सिलिमनाइट में नंबर वन पे रिजर्व में उड़ीसा है और आपका प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश है। एंडेलुसाइट में रिजर्व सबसे ज़्यादा आपका यूपी में, प्रोडक्शन हुआ नहीं है 1988 के बाद। विश्व में बात करेंगे अगर आप तो नंबर वन पर रिजर्व में है काइनाइट में आपका US, और जो है आपका ये प्रोडक्शन में काइनाइट में नंबर वन पे US है। ठीक है, एंडेलुसाइट में आपका प्रोडक्शन में नंबर वन पे है साउथ अफ्रीका, और जो है ये सिलिमिनाइट का प्रोडक्शन में नंबर वन पे है इंडिया, ये याद रखिएगा। एस्बेस्टोस की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा रिजर्व है, और विश्व में सबसे ज़्यादा रिजर्व एस्बेस्टोस का कजाकिस्तान में, प्रोडक्शन रशिया में है। बेंटोनॉइड में अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा रिजर्व है भारत में, प्रोडक्शन में गुजरात है, और विश्व की बात करेंगे तो USA में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बेंटोनॉइड का। ठीक है, इंडिया 4थे नंबर पे है। फेल्सफर की बात करेंगे तो इंडिया में रिजर्व में नंबर वन पे राजस्थान है, प्रोडक्शन में जो है आपका ये 2014-15 में कुछ हुआ, ये माइनर मिनरल हो गया 2014-15 में, माइनर मिनरल डिक्लेयर हो गया तो उसका नहीं दिया गया, इसीलिए 2014-15 में राजस्थान का था। फेल्सफर का प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर वन पे इंडिया है, नंबर पाँच पे है अपना इंडिया, नंबर वन पे तुर्की है और नंबर पाँच पे हमारा इंडिया। डूनाइट में रिजर्व में नंबर वन पे ये तमिलनाडु है, प्रोडक्शन में भी तमिलनाडु है। डोलोमाइट में आपका नंबर वन पे रिजर्व में MP है और प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ है। फायर क्ले में नंबर वन पे प्रोडक्शन में आपका ये उड़ीसा है, और प्रोडक्शन में आपका माइनर मिनरल हो गया था तो वो उसका आया नहीं 2015-16 का, 2014-15 में राजस्थान था। जिप्सम में बात करेंगे तो आपका रिजर्व में नंबर वन पे राजस्थान है, प्रोडक्शन में आपका माइनर मिनरल हो गया था। विश्व में अगर आप बात करेंगे जिप्सम की, नंबर वन प्रोड्यूसर है आपका US और नंबर चार पे हमारा इंडिया, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जिप्सम का होता है चाइना में। लाइमस्टोन की बात करेंगे तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रिजर्व है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राजस्थान में। क्वार्ट्ज और सिलिका सैंड, ठीक है, इसमें भारत में रिजर्व सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, नंबर 7 पे हमारा UP है। क्वार्ट्जाइट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व हरियाणा में है, दोनों को ये मिनरल माइनर मिनरल डिक्लेयर कर दिया गया था, और लास्ट प्रोडक्शन के हिसाब से नंबर वन पे था AP। माइनर मिनरल डिक्लेयर करने के बाद जो है इसका डेटा नहीं आता है। प्लेटिनम में अगर आप बात करेंगे तो रिजर्व में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, और विश्व की बात करें तो विश्व में प्रोडक्शन रिजर्व दोनों में नंबर वन पे है साउथ अफ्रीका। टंगस्टन की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा रिजर्व है कर्नाटक के, विश्व में अगर बात करेंगे तो रिजर्व प्रोडक्शन दोनों में नंबर वन पे चाइना है। ठीक है, ये हो गया पूरा डेटा, मैंने रिवीजन करवा दिया है, इतना बहुत है ये वाला डेटा। अगर आपने एक बार पूरा पढ़ लिया, इकोनॉमी पापा का मैंने छोटू वीडियो, छोटा बाप जो है बेटा वीडियो बना दिया है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, सारे फैक्ट अपडेट कर दिए गए हैं। और हमारा टेलीग्राम जो फ्री वाला है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी में सब कुछ है। और ये वाली PDF मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन फिर से मैंने बना दिया। अगर आपने इकोनॉमी पापा वीडियो नहीं भी देखा है, वैसे उसमें और भी चीज़ें हैं, 5-year plan भी जोड़ दिया था मैंने, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी वाले कॉन्सेप्ट भी जोड़े हुए हैं, डेफिसिट वाला भी जोड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट कुछ कॉन्सेप्ट जोड़े थे। तो अगर आपने वो फिर भी नहीं देखा है तो ये वाला ज़रूर देख लीजिएगा, डे 14 था ये, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।